lost and lonely. Jesus' blood can make you free. For he saved the worst among you. When he saved a wretch like me. Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam.
सबको नमस्ते। स्पेशल बाइबल सेमिनार में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का जो हमें ये दो दिन का बाइबल सेमिनार स्पेशल रीति से दिया है और हम सब साथ में इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और हम परमेश्वर के मन से मिल सकते हैं इस बाइबल सेमिनार के द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ आप परमेश्वर के उस मन से मिल पाएंगे आज शाम को भी जो परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा हमें देना चाहता है। तो कल भी जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना तो कैसे परमेश्वर ने हमारे पाप को दिखाने के लिए हमें व्यवस्था दिया और हमें चुप कराने के लिए जो हम कुछ कह रहे थे हम कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के आगे इस मन को और रोकने के लिए इस मन से हमें छुड़ाने के लिए और हम अनुग्रह के आगे खड़ा रह सके और मसीह यीशु में जो धार्मिकता है जो परमेश्वर ने मुफ्त में दी है वो धार्मिकता के हम भागीदार बन सकें इसके लिए परमेश्वर ने हमें व्यवस्था को बीच में लाके कैसे चलाया इसके बारे में कल हमने गहराई से सीखा। तो मैं आशा करता हूँ आज भी आप परमेश्वर के दांत से बहुत सारे अनुग्रह के बातों को सीख पाएंगे और परमेश्वर के मन के नजदीक जा पाएंगे। तो आइए आज शाम का हमारा सत्र प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करेंगे। तो इस समय में प्रार्थना के लिए आगे बुलाना चाहूंगा पास्टर ललित छत्तर को जो आगे आएंगे और आज शाम के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, आज भी आप लोग हम लोग को आपने अनुग्रह दिया प्रभु ये जो स्पेशल बाइबल सेमिनार में अटेंड करने के लिए। प्रभु कल भी जब हम सुने प्रभु हिब्रू 9 का 12 में हम लोग पाप जो दुआ गया प्रभु ये बकरी का खून से नहीं लेकिन यीशु मसीह अपना खून से हम लोग का पाप को धो दिया प्रभु। इसलिए हम लोग को कहता है कि हम लोग को धर्मी कर दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु का खून से आपने हम लोग को धर्मी किया और ये विश्वास आपने हम लोग को दिया इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आज भी प्रभु इस दुनिया में बहुत सारे इंसान है यीशु मसीह को जान के भी लोग अपने आप को पापी ठहराते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु आपका अनुग्रह ताकि उसके ऊपर में भी पड़े प्रभु ताकि वो लोग भी जान पाए ये वचन को देख पाए और विश्वास कर पाए प्रभु। हम बहुत धन्यवादी है प्रभु आपने हम लोग को ग्रेस अनुग्रह और आपका प्यार और आपका वचन बहुमूल्य वचन जो आपने हम लोग को दिया प्रभु इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। तो पोस्ट बाइबल सेमिनार में प्रभु हम लोग बहुत धन्यवाद दिए है बहुत सारे भाइयों बहनों की सुसमाचार जो सुसमाचार हम लोग को मुक्ति देता है प्रभु हम सुन पाए इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज बहुत सारा भाइयों बहनों जो है और CLF का थ्रू से अब बहुत सारे पास्टरों को ये विश्वास दिए कि प्रभु हम पापी नहीं है हम धर्मी है प्रभु ये कली आपके वचन से हम लोग ये उद्धार को पाए प्रभु। आज भी प्रभु हम लोग आपका वचन सुनने जा रहे प्रभु आपका अनुग्रह बिना हम कभी भी आपका वचन को नहीं समझ सकते प्रभु क्योंकि
हम लोग अच्छा बुरा ज्ञान के चल से हम चला जाते हैं प्रभु, और खुद को विश्वास करते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु आप हम लोग का अनुग्रह कीजिए, ताकि आज भी हम जो कुछ भी सुनेंगे प्रभु आपका दास से, हम समझ पाए और वचन को ग्रहण कर पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने ये स्पेशल बाइबल सेमिनार दिए, और आपका दास को हमारा आगे में हम को लेके आए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आज जितने भी भाई बहनों हैं और कितने आने वाले हैं प्रभु, सबका मन को आप खाली कीजिए, ताकि हम लोग आपका वचन से अनुग्रह पाए प्रभु। आज का जो प्रोग्राम है प्रभु, शुरू से अंत आपका अनुग्रह और आपका आत्मा से हम लोग को बात कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी चीज से, हम ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमेन। धन्यवाद पास्टर। तो सच में हम जब परमेश्वर को देखते हैं कैसे वो हमारी अगुवाई करते हैं परमेश्वर की कलीसिया के द्वारा, उसके दासों के द्वारा, तो हमारा मन सच में परमेश्वर के आगे बहुत ही धन्यवादित होता है। और विशेष करके जब हम वचन को सुनते हैं तो वचन हमारे मन में वो मन को लेके आता है जो वचन में परमेश्वर का मन कंटेन किया गया है। तो कल विशेष करके पास्टर ने व्यवस्था के प्रति बहुत ही जोर दिया कि कैसे हम एक मनुष्य के द्वारा पापी और मृत्यु की जन्मे थे, लेकिन व्यवस्था को देना ये बहुत जरूरी था ताकि व्यवस्था के द्वारा हम पाप को पहचान सके, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सके। तो जब हम उद्धार पाते हैं या फिर हमारे मन में जो परमेश्वर का वचन आता है, उस समय में हम देख सकते हैं कि हमारे हृदय में से गवाही निकल सकती है और हम सटीक बातें कर सकते हैं, स्पष्ट बातें कर सकते हैं। तो आज भी हमारे बीच में इवेंजलिस्ट रोशन तमांग हैं, वो अपनी गवाही को रखेंगे, जो साना बंगाल चर्च दिल्ली से हैं। तो मैं उनको आगे बुलाऊंगा ताकि वो आगे आएंगे और अपनी गवाही को हमारे बीच में बांटेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनके मन में काम किया। जय मसीह की। आप सभी लोगों को, सियालक संपूर्ण टीम को, मैं रोशन तामन, मेरा घर कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में है, लेकिन अभी फिलहाल मैं दिल्ली में रहकर परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ। मैं साना बंगाल चर्च जो दिल्ली सिविल लाइन में है, वहाँ पे होकर परमेश्वर की राज्य के कार्य कर रहा हूँ फिलहाल। और मैं इस समय में आप लोगों के बीच में अपना छोटा सा गवाही लेकर आया हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं था, लेकिन पहले अलग मेंटलिटी में, अलग एक सिद्धांत में हम लोग सेवकाएं कर रहे थे, जी रहे थे। लेकिन अभी एक सेमिनार हुआ था जो मैं 11 तारीख से 15 तारीख तक 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया था CLF के जरिए। उस सेमिनार में मैं जुड़ पाया था और मेरे सीनियर पास्टर मीरा राय की द्वारा मैं आप लोगों के CLF के सेमिनार में जुड़ा था। आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे भी वहाँ पे जुड़ने का मौका दिया, और परम प्रभु परमेश्वर को भी महिमा हो कि उन्होंने, उनकी इच्छा के द्वारा मैं आप लोगों के साथ में जुड़ पाया हूँ। और मैं आप लोगों के सेवकाएं में जुड़कर, आप लोगों के CLF की टीम में जुड़कर बहुत ऐसी कुछ शिक्षाएं, ऐसी कुछ जो रहस्य की बात, जो आत्मिक विश्वास के जीवन के लिए महत्वपूर्ण रखता है, उस चीज को मैं बहुत गहराई रूप से आज जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ। पहली बात तो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हमने जाना, और दूसरी बात परमेश्वर की विश्वास के जीवन जो उन्होंने आप और मुझे दिया, उस जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, उस बारे में भी हमने बहुत गहरी शिक्षा को प्राप्त किया। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम अपने काम में, अपने कर्म में डिपेंड करते थे, हम कितना अच्छा परमेश्वर के लिए करते हैं उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा, उसके अनुसार हमें इनाम मिलेगा, उसके अनुसार उसमें हमारा जो उधार जो है उसमें डिपेंड करता है कि हम कितना परमेश्वर के लिए अच्छा कार्य करते हैं, ऐसा करके हम सोचते थे।
ऐसे सिद्धांतों में हम जीते थे। रोमी 3:23-24 में से हमने बहुत रहस्य की बात को सीखा। हमारे चर्च में पहले सिर्फ पास्टर्स लोग, लीडर्स लोग जो भी प्रचार करते थे, सिर्फ रोमी 23 में से प्रचार होता था कि जैसे भी वहाँ पर लिखा है, सब लोगों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए हैं, कोई भी एक भी नहीं जो धर्मी हो, जो परमेश्वर के राज्य में जा सके, जो परमेश्वर की उस महिमा में पहुंच सके। सिर्फ एक ही वचन को लेकर हमें उस सिद्धांत में हमें सिखाया गया था, हमें ट्रेन किया गया था, लेकिन आज हम सियालब में जुड़कर परमेश्वर के विश्वास में हम परमेश्वर के बलिदान की, एक ही बलिदान के द्वारा हमारे सारे पाप धुल गए हैं, हम पवित्र बन चुके हैं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लायक बन चुके हैं। ऐसे करके हमारे सियालब ने उस सेमिनार के द्वारा हमें समझाया और हमने सीखा, और आज मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप संपूर्ण सियालब टीम को। और मैं अपने कामों की वजह से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता, मुक्ति में मेरा जीवन, मेरा जो भी ये कार्य है वो कार्य की वजह से हमारा अनंत जीवन निश्चित नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उनमें विश्वास करने के द्वारा, उनके बलिदान में भरोसा करने की वजह से हम उद्धार और मुक्ति, अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, ऐसा हमने सीखा। और हम अपने समझ से, अपने दिमाग के अनुसार, अपने इच्छा के मुताबिक हमें चलना नहीं है, सोचना नहीं है, विचार नहीं रखना, लेकिन परमेश्वर की वचन हमें क्या बताता है, परमेश्वर की वचन हमें क्या कहता है, उस चीज़ में हम अपने पूर्ण हृदय से भरोसा रखना है। अगर परमेश्वर हमें पवित्र है करके कहता है उनके वचन के द्वारा, अगर परमेश्वर हमें स्वर्ग की अधिकारी ठहराता है, तो हम ऐसे ही मान के अपने विश्वास के जीवन में आगे चले करके ऐसा शिक्षा, ऐसा सिद्धांत हमें मिला। और बहुत ही एक स्वतंत्र, एक फ्रीडम, एक नयापन हमें महसूस हुआ। परमेश्वर की आशीष हमें मिला कि ऐसी महत्वपूर्ण और गहराई शिक्षा में होकर हमने उस वेबिनार में अटेंड किया, और उस वेबिनार के द्वारा बहुत नया चीज हमें मिला। और अभी जो हमारा परिस्थिति है, जो हमारा अवस्था है, वो पहले की जैसा नहीं, अभी हम परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की विश्वास के जीवन में कैसे जीना है, और हमारे अपने सोचों के, हमारे अपने विचारों के द्वारा नहीं, हमारे सोच के द्वारा नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से परमेश्वर की अनुग्रह में डिपेंड होकर के विश्वास के जीवन में हमें आगे बढ़ना है, ऐसा करके हमें सीखने को मिला। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी संपूर्ण सियालब टीम को, जो आप लोगों ने हमें ये अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में अपना गवाही शेयर कर सका, और ये छोटा सा समय आपने दिया। आप सभी लोग धन्यवाद भाई तमा। सच में जब हम आपकी गवाही को सुनते हैं तो आपकी गवाही में हम पूरा फर्क देख सकते हैं कि कैसे हम लंबे समय तक रोमियो 3:23 को मानकर जिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, हम यहीं तक थे। लेकिन जब हम सीएलएफ को अटेंड करते हैं तो सीएलएफ में जो परमेश्वर के दास रेवरेंड जेम्स ओएसपार्क कंटिन्यू रोमियो उसका 3:24 में हमारे मन की अगुवाई करते हैं कि पापियों पर कैसे परमेश्वर का अनुग्रह आया और यीशु ने कैसे बलिदान दे के हमें मुफ्त में धर्मी ठहराया है। सच में हम बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जो परमेश्वर अपने दास को हमारे बीच में भेज के हमारे मन की अगुवाई कर रहा है ताकि हमारा मन रोमियो 3:23 से निकल के रोमियो 3:24 तक जा सके और हम ये विश्वास को पा सकें कि हम मुफ्त में धर्मी ठहराए जा चुके हैं। सच में हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, और आज शाम को भी मैं विश्वास करता हूँ आपके मन की अगुवाई करेंगे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने मन को खुला करके परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो इस समय हमारे पास आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है। जैसे आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, आप अलग अलग भाषा से हैं, इसके लिए आपके लिए इंटरप्रिटेशन ऑप्शन तैयार किया गया है। तो जो मेन भाषा, जो हमारा अनुवाद होगा, वो हिंदी में होगा।
तो हिंदी के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश, नेपाली, नगामीस, असमीस अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप इंटरप्रिटेशन ऑप्शन में जाकर के आपको वैसा चुनाव करना होगा। लेकिन अगर आप बंगाली में सुनना चाहते हैं तो वहां पे आपको बंगाली लिखा हुआ नहीं दिखेगा। इंटरप्रिटेशन ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे पोर्चुगीज लिखा ही होगा, तो आप पोर्चुगीज चुनाव करोगे तो आपको बंगाली में सुनाई देगा, और आप स्पेनिश चुनाव करोगे तो बोरो सुनाई देगा, और आप फ्रेंच चुनाव करोगे तो मणिपुरी सुनाई देगा, और रशियन आप चुनाव करोगे तो आपको कुकी भाषा सुनाई देगा। तो मैं सच में आशा करता हूँ कि आप अपने पसंदीदा भाषा के अनुसार आप परमेश्वर के वचन को आज शाम को भी परमेश्वर के दास से सुनेंगे। तो इस समय परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हमारे बीच में हमारा मूल्यवान क्वायर, जो हर समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के आगे अर्पण किया हुआ है, वो मूल्यवान क्वायर ग्रासिस क्वायर आज भी आज शाम को दो गीत हमारे बीच में पेश करेंगे। पहला है क्लोज टू दी और दूसरा है अंडर हिज विंग्स। तो आइए इस समय हम देर ना करते हुए हमारे मूल्यवान क्वायर ग्रासिस क्वायर को स्वागत करेंगे तालियों के साथ में।
हम बहुत धन्यवादित हैं ग्रेस स्क्वायर के लिए। सो इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे परमेश्वर के दास से। हमारे बीच में सीनियर पास्टर गुड न्यूज अनिंग चर्च से रेवरेंड लिहन ये हैं, तो आइए हम उनका तालियों से स्वागत करेंगे।여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। ये 반갑습니다. 어제 시작한 집회가 벌써 오늘 마지막 날이 됐습니다. तो कल हमने बाइबल सभा शुरू की थी और आज आखिरी दिन भी आ गया। ये 집회가 짧으니까 제가 굉장히 편안해요। तो बाइबल सभा बहुत छोटी है इसलिए मेरा मन बहुत आराम में है। 어제 우리가 이제 죄에 대해서 율법에 대해서 말씀을 좀 나누었습니다। तो कल हमने पाप के विषय में व्यवस्था के विषय में थोड़ी बातचीत की थी। 어제 이어서 오늘도 그 율법과 하나님 은혜에 대한 말씀을 좀 나누려고 합니다. तो आज कल से जारी रखते हुए मैं व्यवस्था और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। 먼저 성경을 읽도록 하겠습니다. तो सबसे पहले हम वचन देखेंगे। 로마서 5장 12절부터 14절까지 읽겠습니다. रोमियो 5 12 से लेके 14 तक हम पढ़ेंगे। 그리고 19절, 20절 두 절을 더 읽겠습니다. और उसके बाद 19 और 20 पढ़ेंगे। 예, 인디어 인도 말로 읽도록 하겠습니다. तो हम हिंदी में पढ़ेंगे रोमियो 5 12 से 14 तक। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया।
व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप किना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। 19 पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था पीछ पे आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। 우리 통역하는 자매님이 한국어를 어떻게 이렇게 잘하는지. 와이프한테 통역을 거침없이 해서 말씀 전하기 너무 좋습니다. 어제 우리는 율법에 대한 말씀을 좀 나누었습니다. 오늘날 많은 사람들이 율법을 오해해서 तो आज बहुत सारे लोग व्यवस्था को गलत समझते हैं। 율법을 지키려고 노력하는 것이 신앙생활인 줄로 알고 있는 사람들이 많습니다. तो बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मिक जीवन का मतलब व्यवस्था का पालन करना है। 율법을 지키려는 노력보다 중요한 것은 율법을 주신 목적을 올바로 깨닫는 것입니다. लेकिन व्यवस्था का पालन करने की कोशिश से बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि हम परमेश्वर के मकसद को समझें कि उसने क्यों व्यवस्था हमें दी है। 하나님 모세를 통하여 이스라엘 백성들에게 율법을 주셨는데 तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को व्यवस्था दी थी। 율법은 지키라고 주신 법이 아닙니다. तो व्यवस्था हमें इसलिए नहीं दी गई कि हम उसका पालन करें। 갈라디아서 3장 10절이나 로마서 5장 20절에 보면 또 갈라디오 3개 13매 야 로미오 5개 20매 좀 देखते हैं। 율법을 지켜서 율법의 행위로 하나님 앞에 의롭게 될 수 있는 사람은 아무도 없다고 분명히 하나님 말씀하셨습니다. तो परमेश्वर का वचन साफ हमें यह बताता है कि व्यवस्था का पालन करके व्यवस्था के कामों को पूरा करके कोई व्यक्ति उसके सामने धर्मी नहीं ठहरा है। 이 율법은 지키라고 주신 법이 아니고 तो व्यवस्था हमें इसलिए नहीं दी गई कि हम इसका पालन करें। 우리의 죄를 깨닫게 하기 위하여 주신 법입니다. तो सच में हमारे पाप की पहचान कराने के लिए हमें व्यवस्था दी गई। 자, 여러분 이제 PPT를 한번 보십시다. तो आप पीपीटी को देखिए। 예. 이제 율법은 어떤 역할을 하느냐면 또 व्यवस्था가 क्या रोल है? 마치 엑스레이와 같은 일을 합니다. तो व्यवस्था बिल्कुल एक्सरे के समान काम करता है। 자, 예를 들어서 제가 이제 의사라고 해 봅시다. मान लीजिए अगर मैं एक डॉक्टर हूं। 저는 아주 실력 있는 전문의예요. तो मान लो कि मैं बहुत ही काबिल मतलब एक एक्सपर्ट डॉक्टर हूं। 제가 어느 날 어떤 사람을 보니까 혈색이 굉장히 안 좋은 거예요. तो एक दिन मैं एक मरीज को देखता हूं जिसके चेहरे का रंग काफी मतलब खराब है। 밥도 별로 잘 못 먹고 और वो व्यक्ति ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा है। 굉장히 피곤을 많이 느끼고 और बहुत जल्दी से थक जाता है। 기침을 막 하는데 그 가래가 이제 많이 나오는 거예요. और उसे बहुत खांसी होती है और उसके अंदर से बहुत बलगम निकल रहा है। 제가 얼핏 보니까 가래에 피가 묻어 나오는 것 같았어요. और मैंने ये भी देखा कि उसके बलगम में खून भी आ रहा है। 제가 아유 건강이 많이 안 좋아 보입니다. तो मैं उनसे कहता हूं कि आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। 몸이 좀 어떠세요? तो आप कुछ तकलीफ है? 아, 의사 선생님. 제가 좀 감기가 이렇게 잘 떨어지질 않고 감기가 굉장히 오래 가네요. 록사 पता नहीं क्यों ये मुझे सर्दी जुकाम हुआ था लेकिन बहुत देर हो गई है ठीक ही नहीं हो रहा है। 감기는 그렇게 오래 가지 않는데요. तो खांसी जुकाम तो इतना लंबा नहीं खिंचता। 증상이 어떠세요? तो आपको क्या-क्या तकलीफ है? 예, 한 달 새 체중도 한 5kg 이상 빠졌고 तो एक महीना करीबन हो गया है कि मेरा वजन 5 किलोग्राम कुछ घट गया है। 기침도 많이 나고 가래가 이렇게 많이 나옵니다. 뭐 좀 बहुत खांसी आती है, बहुत बलगम निकलता है।
가래가 나올 때 피도 조금씩 묻어 나오고요. जब बलगम निकलता है तो उसमें थोड़ा बहुत खून भी होता है. 아, 그 제가 볼때 감기가 아니고 결핵 같은데요. तो मेरे हिसाब से आपको खांसी जुकाम नहीं, आपको टीबी है. 혹시 병원에 한번 가봤습니까? तो आप कभी अस्पताल गए हैं? 아니요, 병원에는 안 가봤는데요. नहीं डॉक्टर साहब, मैं कभी अस्पताल तो नहीं गया. 내가 볼때그 결핵이 아니고 감기가 아니고 결핵 같습니다. तो मेरे हिसाब से आपको खांसी जुकाम नहीं, आपको टीबी है.병원에 가서 진찰 안 받아보지요? आप एक बार अस्पताल में जाके अपना चेकअप कराइए. 이 사람이 화를 벌컥 내면서, और ये व्यक्ति एकदम से मतलब गुस्सा हो गया. 아니, 의사 선생님, 당신이 의사면 의사지, 진찰도 안 해보고 어떻게 결핵이라고 그렇게 함부로 말할 수가 있습니까? 또 डॉक्टर साहब, हाँ आप डॉक्टर हैं मान लिया, लेकिन आपने मेरी जांच भी नहीं की. आप कैसे बोल सकते कि मुझे टीबी है?내가 결핵이라고 이야기하면 내 주변에 있는 사람들이 나 얼마나 좀 나를 대하는 게 불편스럽고 나하고 거리를 많이 두겠습니까? 또아 ऐसे ही बोल देंगे कि तुमको टीबी है, तो सोच लीजिए कि सुनने वाले लोग को कैसा लगेगा. वो कितना मुझसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, उनको कितनी असुविधा होगी.내가 만일에 결핵이 아니면 의사 선생님 어떡하겠습니까? 또 डॉक्टर साहब, अगर मुझे टीबी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? 나도 약간 화가 나는 거예요. 또 मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया. 아니, 의사가 결핵 같다 그러면 당신이 감기처럼 느껴져도 의사 말을 좀 들어요. 또 आपको मतलब अगर डॉक्टर बोल रहा है कि टीबी हो सकता है, तो आपको कितना भी लग रहा है खांसी जुकाम है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की बात तो सुनो.당신이 만약에 결핵이면 어떡할 거예요? तो अगर सचमुच में टीबी होगा तो क्या करोगे?의사는 뭐 그냥 의사가 된줄 알아요? तो आपको क्या लगता है, डॉक्टर कोई ऐसे ही डॉक्टर बन जाता है? 아니, 의사 선생님, 결핵이 아니면 어떡할 겁니까? 또 डॉक्टर साहब, अगर मुझे टीबी नहीं होगा फिर आप क्या करोगे? आ, 일단 검사 한번 받아 봅시다. तो चलो ठीक है, एक बार चेकअप कराओ. 자, 그러면 환자의 생각이 옳을지 의사의 판단이 옳을지 그건 아무도 몰라요. अब मतलब ऐसी परिस्थिति में ये मरीज जो सोच रहा है वो सही है, या फिर डॉक्टर जो न्याय ले रहा है वो सही है, कोई नहीं जानता.이제 검사를 해서 검사 결과가 이야기를 해주는 거예요. लेकिन जब इसका चेकअप होगा तो उस चेकअप का जो रिजल्ट निकल के आएगा वहां से हमको पता चलेगा.두 사람이 이제 병원에 가서 검사를 하기로 했습니다. 또 मतलब ये दोनों निर्णय लेते हैं कि चलो अस्पताल में जाके जांच करवाते हैं. 만일에 결핵이면 이제 환자가 할 말이 없어지는 거고, 또 मान लो अगर इसको टीबी निकल के आता है तो फिर ये मरीज कुछ नहीं बोल पाएगा.결핵이 아니라면 의사가 진단을 잘못한 거죠. लेकिन अगर इसको टीबी नहीं है, इसका मतलब डॉक्टर की जो बात थी वो गलत थी.두 사람은 다 엑스레이 결과 앞에 이제 자기 생각을 내려놓아야 합니다. 또 जो भी एक्सरे का परिणाम निकल के आएगा उसके सामने इन दोनों को अपनी सोच नीचे रखनी होगी.두 사람이 다 이제 병원에 갔습니다. 또ये दोनों मतलब अस्पताल जाते हैं. 의사가 이제 엑스레이를 찍었어요. 또 डॉक्टर ने एक्सरे लिया. 사진을 딱 뽑아서 보니까 और जब मतलब फोटो देखी इनकी एक्सरे की,이 사람 양쪽 폐가 절반은 다 죽은 거예요. 또 पता चला कि एक तरफ का जो इसका फेफड़ा था वो लगभग आधा मतलब खराब हो चुका है.의사는 내가 이야기합니다. 또 मैं जो डॉक्टर हूं मैं बोलूंगा. 자, 여기 보십시오. 또 इधर देखिए. 이게 방금 찍은 당신 폐 사진입니다. 또 ये अभी अभी खींचा हुआ आपके फेफड़े का एक्सरे है. 사진을 보면 양쪽 폐가 윗부분은 깨끗한데 아랫부분은 새까맣게 돼 있죠. 또 आपको दिखाई दे रहा है कि एक फेफड़े का जो निचला हिस्सा है वो पूरा काला हुआ हुआ है. 여기 새까만 부분은 결핵으로 폐가 완전히 파괴된 부분입니다. 또ये काला हिस्सा दिखा रहा है कि टीबी से आपका आधा ज्यादा फेफड़ा खराब हो गया है.당신 폐가 지금 절반 이상 다 죽었습니다. 또 आपका आधे ज्यादा फेफड़ा बिल्कुल मतलब डैमेज हो चुका है. 이 정도 되면 결핵 말기쯤 되는데, 또 ऐसी हालत हम टीबी का मतलब आखिरी स्टेज बताते हैं.지금 당장 입원해야 됩니다. 아프 जल्दी जल्दी अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा. 자, 그러면 엑스레이 결과를 딱 보는 순간, 또 जिस पल एक्सरे का मतलब रिजल्ट देखा गया,
이 환자의 생각이 이제 환자가 아, 내 생각이 틀렸구나 하는 걸 깨닫게 되죠. इस मरीज को पता चल जाएगा कि हाँ मेरी सोच गलत थी।의사 선생님의 판단이 옳았구나. तो डॉक्टर ने जो बताया वो सही था।자, 그 엑스레이 결과를 보면서 तो उस एक्सरे के रिजल्ट को देख के환자는 자기 판단을 버리게 됩니다. तो वो जो मरीज है वो अपने न्याय को फेंक सकता है।엑스레이 결과를 보기 전까지는 तो एक्सरे देखने से पहले तक환자가 의사의 판단보다 자기 판단을 더 신뢰했는데 तो ये मरीज डॉक्टर के न्याय से ज्यादा अपने खुद के न्याय पे भरोसा कर रहा था।엑스레이 결과를 보는 순간 लेकिन जिस पल इसने एक्सरे का परिणाम देखा,자기 판단이 버려지고 의사의 판단을 저절로 받아들이게 되는 거죠. 또ये मरीज मतलब अपने न्याय को फेंक सका और डॉक्टर के न्याय को जो का त्यो स्वीकार कर सका। 자, 그래서 이제 자기가 결핵이라는 걸 깨닫게 되면 और जब इसे ये पता चला कि हाँ मुझे टीबी है,자기를 믿는 마음을 버리게 되고 तो खुद पे विश्वास करने का जो मन है ये उसे फेंक सका।이제 아 진짜 이 의사 선생님은 실력 있는 의사 선생님이구나. और उसको पता चला कि हाँ ये जो मतलब क्या कहते हैं ये डॉक्टर हैं ये बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं।내가 이 의사 선생님에게 내 몸을 맡겨야 되겠다. तो मुझे मतलब इस डॉक्टर साहब को अपने आप को सौंप देना चाहिए।내가 의사 선생님의 말을 받아들이지 아니하고 तो अगर मैं इस डॉक्टर की बात को स्वीकार नहीं करूंगा내 판단을 믿었더라면 큰일 날 뻔했구나. और मतलब अगर मैं अपने न्याय पे जोर देता रहता तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती।그래서 엑스레이 결과를 보는 순간 तो जिस पल इन्होंने एक्सरे का परिणाम देखा자기를 믿는 마음이 버려집니다. तो खुद पे विश्वास करने का मन ये फेंक सके।그리고 이제 의사 선생님의 말을 받아들일 수 있게 되죠. और डॉक्टर साहब की बात को स्वीकार कर सके। 자, 여러분, 결핵보다 무서운 것은 자기 판단을 신뢰하는 겁니다. दोस्तों सच में टीबी से ज्यादा गंभीर बात क्या है? अपने न्याय पे विश्वास करना है। 제가 한 번은 이제 부천이라는 도시에 있었는데, तो एक बार की बात है, मैं बुचन में सेवकाई कर रहा था। 부천에는 링컨 스쿨이라는 학교가 같이 있었어요. 또 부천 चर्च में लिंकन स्कूल मतलब साथ में है। 자, 우리 학교 학생들 한 40명을 데리고 아프리카 탄자니아를 가게 되었습니다. 또 हमारे स्कूल के करीबन 40 बच्चों के साथ मैं अफ्रीका तंजानिया गया था। 우리 학교 학생들은 전부 다 이제 태권도를 가르쳐서 다 태권도를 잘하는 학생들이에요. 또 ये सारे जो बच्चे थे इन्होंने ताइक्वांडो बहुत अच्छे सीखा था और बहुत अच्छे से करते थे।그래서 우리 학생들을 데려가가지고 이제 태권도 시범을 보이는데, 또 मतलब इनका ताइक्वांडो का जैसे शो दिखाते थे वहां पे ले जाके,우리 학생들이 태권도를 상당히 잘하기 때문에, क्योंकि बच्चे ताइक्वांडो में बहुत एक्सपर्ट थे। 막 이제 태권도 시범도 보이고, 또 ये मतलब अपने क्या कहते हैं जो भी इनका स्किल है ताइक्वांडो का वो दिखाते। इंजे 합판을 이렇게 붙들고 있으면 막 주먹으로 딱 쳐가지고 이제 합판을 깨뜨리고, उनका शो होता है, एक बच्चे ने एक टाइल पकड़ के रखी हुई है और दूसरा आके उसको मुक्का मार के पूरा तोड़ देता है।또막 발로 합판을 딱 차가지고 이제 합판이 딱딱 쪼개지는 거예요. और मतलब लकड़ी के टुकड़े को ऐसे हाथ से जोर से मारेंगे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।근데 이 탄자니아 학생들이 너무 좋아하는 거예요. 또 तंजानिया के बच्चों ने जब इनका ये शो देखा वो बहुत ज्यादा खुश हो गए।그 다음날 우리가 태권도 시범을 보이게 되어 있는데 तो मतलब उसके अगले दिन हमें फिर मतलब ताइक्वांडो का एक अपना शो दिखाना था।우리 학교에 태근이라는 학생이 있었어요. 또 हमारे स्कूल में थेगन नाम का एक बच्चा था। 그 다음날 이제 우리 교사들이 태근이를 데리고 와서, 또 मतलब हमारे टीचर लोग थेगन को लेके आए। 목사님, 태근이가 갑자기 열이 지금 한 40도 가까이 올라가고 있습니다. 또 एकदम से मुझे बोलने लगे कि पास्टर ये थेगन बहुत बीमार है, इसको करीबन इसका बुखार 40 डिग्री तक पहुंच गया है।여기 모기가 너무 많은데, 또 मतलब यहाँ पे बहुत मच्छर हैं,아무래도 말라리아 같습니다. 또 हमें लग रहा है इसको मलेरिया हो गया है। 내가 태근이의 이마를 짚어보니까 막 열이 굉장히 이제 높은 거예요. 또 मैंने उसके माथे पे जब हाथ रखा तो सच में से बहुत तेज बुखार था।그 탄자니아 모기가 얼마나 많은지, 또 तंजानिया में मतलब इतने ज्यादा मच्छर थे।
내가 막 말씀을 전하고 있는데 막내 입으로도 모기가 날아들어오고 मतलब जो मैं वचन प्रचार कर रहा था तो मेरे मुंह में भी मच्छर घुस रहे थे 제가 마시고 있는 물에도 막 물잔에도 모기가 빠지고 तो मतलब मैं प्रचार कर रहा था वहां पानी का कप पड़ा हुआ था उसके अंदर भी मच्छर गिरे हुए थे 안에서 말씀을 전하고 있는데 모기가 너무 많이 덤비니까 तो मतलब प्रचार करते करते मच्छर इतना परेशान कर रहे थे 말씀을 전하다가 막 모기를 때려잡고 तो मैं मच्छर मतलब मैं प्रचार करते करते मच्छरों को मार रहा था 제가 볼 때 태근이가 말라리아에 걸린 것 같았어요 मुझे भी ऐसा लगा कि इसको मलेरिया हो गया। 태근아, 너 지금 빨리 병원에 가. 또 मैंने कहा थेगन तुम जल्दी से अस्पताल जाओ। 말라리아는 오래 두면 큰일 나. 또 मलेरिया को अगर बिना इलाज के छोड़ दो तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। 빨리 스님하고 병원에 가서 검사를 한번 받아 봐. 또 जल्दी तुम टीचर के साथ अस्पताल जाओ और तुम्हारा चेकअप करा के आओ। 그 얘는 열은 실제로 이제 열은 높은데 별로 아픈 데는 없는 거예요. 근데 이 애가 क्या था कि बुखार था लेकिन इसको कहीं जैसे दर्द नहीं हो रहा था कुछ ऐसे तकलीफ नहीं हो रही थी 자기가 막 태권도 시범을 보일 때 탄자니아 학생들이 너무 좋아하니까 और मतलब इसने देखा कि जब हमारा टाइकोंडो का शो होता है तो तंजानिया के लोग मतलब इतने खुश हो जाते हैं इतने एक्साइटेड हो जाते हैं 그 태권도 시범을 계속 보이고 싶은 거예요 तो इसके मन में वो लगातार मतलब उस टाइकोंडो शो में भाग लेने का मन था 목사님 저 열은 좀 있지만 태권도 시범 보일 수 있어요 तो पास्टर कोई बात नहीं मुझे थोड़ा बहुत बुखार है लेकिन मैं भी मतलब टाइकोंडो शो में भाग ले सकता हूँ तो इत्ता가 점심 먹고 병원에 가면 안 될까요? तो पास्टर मैं दोपहर के बाद तब चला जाऊँ अस्पताल? 안 돼. 너 지금 바로 가야 돼. 내가 नहीं. अभी क्या अभी जाओ. 아, 목사님. 저 태권도 시범 보이고 싶어요. 네, 파스터. 메라 미스 हो जाएगा. मुझे भी मतलब उसमें शो में भाग लेना है. 너 목사님 말씀 안 들을 거야? 내가 तुम पास्टर की बात नहीं सुनोगे? 빨리 네 생각 버리고 가다 스님하고 같이 가. 또 जल्दी अपनी सोच को फेंको और टीचर के साथ जल्दी अस्पताल जाके आओ. 그 태근이가 이제 병원에 갔습니다. 그리고 이 बच्चा मतलब थेगन अस्पताल चला गया. 병원에서 피를 뽑아서 이제 블러드 테스트를 했는데 तो मतलब अस्पताल में जाके इसका थोड़ा सा खून निकाला और इसका ब्लड टेस्ट किया. 그 태근이 피 속에 말라리아 균이 이제 검출이 된 거예요. तो पता चला कि इसके खून में मतलब मलेरिया के कीटाणु दिखाई दिए तो 병원에서 약을 주고 फिर अस्पताल से दवाई मिली 태근이가 이제 약을 먹고 돌아왔습니다 और वो दवाई खा के वापस आ गया 태근이 기가 푹 죽어서 왔어요 तो एकदम से मतलब उसकी हिम्मत पूरी लाइक खत्म हो गई थी जब वो वापस आया 제가 이야기했어요 तो मैंने उसे कहा 태근아 말라리아 아니지 तो 태근 तुम्हें मलेरिया नहीं है ना 너도 태권도 시범 보이면 되지. 또 तुम अभी भी टाइकोंडो का शो दिखा सकते हो, सही है? 네 판단이 옳았지. 또 तुम जो सोच रहे थे वो सही था ना? 목사님이 틀린 거지. 또 파스터 गलत बोल रहे थे? 그러니까 태근이가 목소리가 힘이 없이 아니요. 목사님 말씀이 옳았어요. 근데 이제 बहुत ही मतलब धीमी सी आवाज में कहा कि 파스터 नहीं आप जो बोल रहे थे वही सही था. 자, 여러분 말라리아나 결핵보다 무서운 게 자기 판단을 믿는 겁니다. 또 मलेरिया या टीबी से ज्यादा डरावनी चीज क्या है? अपने न्याय पे विश्वास करना है. 성경은 하나님의 말씀보다 자기를 더 신뢰하는 것을 죄라고 이야기합니다. 또 बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के वचन से अपने आप पे ज्यादा विश्वास करना पाप है. 예, 죄는 여러 가지로 설명할 수 있는데 तो पाप को हम लाइक बहुत तरीके से समझा सकते हैं. 하나님의 말씀에서 마음이 떠난 걸 죄라고 합니다. 레킨 परमेश्वर의 वचन에 हमारा मन दूर हो जाना पाप है. 하나님의 말씀보다 자기 판단을 더 신뢰하는 걸 죄라고 합니다. 또 परमेश्वर의 वचन에 अपने न्याय पे ज्यादा भरोसा करना पाप है. 자, 하나님의 말씀을 떠나면 반드시 자기를 신뢰하게 되어 있습니다. तो जब हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं तो हम जरूर अपने आप पे विश्वास करते हैं 내 판단이 틀렸구나 तो मेरा न्याय गलत है 그게 발견이 되어야 내 판단을 버릴 수가 있죠 तो जब हम इस बात का आविष्कार करते हैं तो हम अपने न्याय को त्याग सकते हैं फेंक सकते हैं 내 판단 내 생각 내 길을 버리고 하나님께로 마음을 돌이키는 걸 회개라고 이야기합니다 तो मेरा न्याय मेरी सोच मेरे मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के पास लौट आना हम इसको पश्चाताप या मन फिराव कहते हैं
하나님의 말씀을 마음에 받아들이는 걸 믿음이라고 합니다. और परमेश्वर के वचन को अपने मन में स्वीकार करना सच में विश्वास है. 자, 이제 어떤 사람이 엑스레이를 찍었는데 결핵이 나타났어요. तो किसी व्यक्ति ने अपना एक्सरे कराया और पता चला कि उसके अंदर टीबी है. 그럼 엑스레이 결과를 보는 순간 이제 자기 판단을 내려놓게 되죠. तो जिस पल वो एक्सरे का परिणाम देखता है तब वो अपने न्याय को नीचे रख सकता है. 그리고 이제 의사 선생님의 말씀을 받아들이게 됩니다. और डॉक्टर की बात को मान सकता है. 자, 엑스레이를 찍을 때 결핵에 걸리는 게 아니고 तो जब उसने एक्सरे करवाया तब उसे टीबी हुआ ऐसा नहीं है. 엑스레이를 찍어 보기 전에 이미 결핵이 내 몸 안에 들어와 있는데 तो एक्सरे करवाने से पहले टीबी पहले से ही मेरे शरीर में था. 엑스레이를 찍어 보기 전에는 결핵을 결핵으로 여기지를 않는 거예요. लेकिन एक्सरे करवाने से पहले टीबी को हम टीबी समझ नहीं रहे थे. 엑스레이는 결핵을 치료해 주거나 결핵을 없애 주지는 않습니다. तो एक्सरे करा के ऐसा नहीं है कि टीबी ठीक हो जाएगा या टीबी गायब हो जाएगा. 엑스레이는 결핵을 결핵으로 드러내는 거예요. लेकिन एक्सरे टीबी को टीबी के रूप में प्रकट करने का काम करता है. 엑스레이는 결핵을 치료해 주는 게 아니라 내가 결핵에 걸렸다는 사실을 깨닫게 해 주는 겁니다. तो एक्सरे मतलब हमें यह सच्चाई दिखाता है कि हमें टीबी है. 내가 결핵에 걸렸다는 사실을 깨달아야 तो जब किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि उसको टीबी है, 내 판단을 버리고, तब वो अपने न्याय को फेंकेगा, 내 자신을 부인하고, और अपने आप का इनकार करेगा, 이제 의사 선생님의 은혜와 긍휼 앞에 나아갈 수가 있는 겁니다. और डॉक्टर की दया और डॉक्टर के अनुग्रह के सामने जा सकेगा. 그러니까 의사 선생님에게 내 몸을 맡기면, तो जब वो डॉक्टर साहब को अपनी देह ऐसे सौंप देगा, 그때부터 치료는 의사 선생님이 하는 거예요. तो तब से उसका जो इलाज है वो डॉक्टर साहब खुद करेंगे. 자, 이 엑스레이와 같은 역할을 하는 게 바로 율법입니다. तो व्यवस्था का जो काम है वो बिल्कुल इस एक्सरे के समान है. 여러분, 죄는 결핵과 같다고 이야기할 수 있고 और हम ये बोल सकते हैं कि पाप टीबी के समान है. 율법은 엑스레이와 같다고 할 수 있습니다. और व्यवस्था एक्सरे के समान है. 그리고 결핵을 치료하는 의사는 우리의 모든 죄를 씻어주시는 예수님과 같은 분이에요. और टीबी का इलाज करने वाला जो डॉक्टर है वो हमारे सारे पापों को सुलझाने वाले यीशु मसीह के समान है. 자, 로마서 5장 13절을 보겠습니다. तो रोमियो 5 का 13 हम देखते हैं. 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없을 때는 죄를 죄로 여기지 아니하느니라. व्यवस्था게 दिए जाने तक पाप जगत में तो था परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता. 자, 여기 죄라는 단어가 나오고 율법이라는 단어가 나오고 세상이라는 단어가 나오죠. तो यहां तीन शब्द का प्रयोग किया गया है. एक पाप है, एक व्यवस्था है और एक जगत है. 자, 어느 것이 제일 먼저 있었습니까? सबसे पहले क्या है? 자, 율법, 죄, 세상, 이 세 가지 중에 어느 것이 가장 먼저 있었습니까? तो पाप, जगत और व्यवस्था इन तीनों चीजों में से सबसे पहले क्या था? 로마서 5장 12절에 보면 तो रोमियो 5 के 12에 लिखा है. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다 하고 기록되어 있죠. तो 12 में लिखा हुआ है इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया. 원래 세상에 죄가 없었는데 तो जगत में पहले पाप नहीं था. 세상에 죄가 들어오게 되었다는 거예요. लेकिन एक पॉइंट है जब जगत के अंदर पाप आ गया. 여러분, 죄 없는 세상이 먼저 있었습니다. तो पहले एक जगत था जिसमें पाप नहीं था. 그다음에 이제 세상에 죄가 들어왔죠. तो उसके बाद जगत के अंदर पाप आ गया. 그리고 율법이 내려왔습니다. और उसके बाद व्यवस्था आई. 자, 이제 내가 건강한 몸으로 살고 있었는데 तो मैं पहले तंदुरुस्त था. 어느 날 내 몸에 결핵균이 들어오게 된 거예요. लेकिन एक दिन मतलब टीबी के कीटाणु मेरे शरीर में प्रवेश कर गए. 그래서 이제 엑스레이를 찍어봤죠. और फिर जब मेरा एक्सरे हुआ. 자, 여기 로마서 5장 13절에서 तो रोमियो 5 के 13 में जब हम देखते हैं
이제 결핵을 죄라고 생각해 봅시다. हम सोचते हैं हम मान लेते हैं कि पाप टीबी है. 그리고 엑스레이를 율법이라고 생각을 해 봅시다. और एक्सरे व्यवस्था है. 자, 그러면 로마서 5장 13절은 이렇게 읽을 수가 있습니다. फिर हम रोमियो 5 से 13 को इस प्रकार पढ़ सकेंगे. 결핵이 엑스레이를 찍어 보기 전에도 내 몸에 있었으나 तो टीबी एक्सरे कराने से पहले भी मेरे शरीर में था. 율법이 없을 때는 죄를 죄로 여기지 아니하느니라. परंतु जहां पाप नहीं हुआ पाप गिना जहां व्यवस्था नहीं हुआ पाप गिना नहीं जाता. 자, 이 말은 엑스레이를 찍어 보기 전에는 결핵을 결핵으로 여기지 아니하느니라. तो इस बात को हम कैसे बोल सकते हैं कि एक्सरे कराने से पहले तक टीबी को हम टीबी नहीं जान रहे थे. 자, 그래서 로마서 5장 13절을 다시 읽으면 तो रोमियो 5 के 13 को अगर हम दोबारा पढ़ते हैं. 결핵이 엑스레이를 찍어 보기 전에도 내 몸에 있었으나 तो एक्सरे कराने से पहले भी टीबी मेरे शरीर में था. 엑스레이를 찍어 보기 전에는 परंतु एक्सरे कराने से पहले 결핵을 결핵으로 여기지 아니하느니라. तो टीबी को टीबी के समान हम नहीं गिन रहे थे. 예, 그렇게 읽으면 여러분 이해가 좀 쉬울 거예요. तो ऐसे करके आप थोड़ा सा आसानी से शायद समझ पाएंगे. 자, 근데 이제 이 환자의 엑스레이를 찍어 봤는데 तो जब मतलब इस मरीज का एक्सरे कराया गया 결핵이 크게 드러나는 경우하고 तो मतलब बहुत ज्यादा भयंकर रूप से टीबी का प्रकट होना 결핵이 조금밖에 안 나타났을 때하고 या फिर टीबी मतलब कुछ हद तक तुम्हारे शरीर में अभी है 언제 마음이 더 낮아지고 तो कैसे हालात में इंसान का मन ज्यादा मतलब नीचे हो जाएगा 언제 마음이 더 간절해지고 तो कैसे हालात में उसका मन सचमुच में परमेश्वर को खोजेगा 언제 치료의 필요성을 더 깊이 느끼겠습니까 मतलब कैसे हालत में उसको ये महसूस होगा कि मुझे सचमुच जल्दी इलाज की जरूरत है 결핵이 조금밖에 안 나타났을 때보다도 तो जब किसी के शरीर में उसको पता चलेगा हाँ थोड़ा बहुत टीबी के कीटाणु मेरे शरीर में है 결핵이 크게 나타났을 때 उसकी तुलना में किसी के शरीर में मतलब टीबी तुम्हारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है बहुत आगे पहुंच गई है 마음이 더 낮아지고 तो जब ज्यादा बढ़ गई है बताएंगे तो उसका मन ज्यादा नीचे हो जाएगा 마음이 더 간절해지고 और मन मतलब बहुत और उत्सुक हो जाएगा इलाज के लिए 다른 모든 일보다도 이 결핵을 치료하고 싶은 마음이 커지겠죠. और उसके मन में किसी और काम से ज्यादा प्राथमिकता वो हाँ इस टीबी के इलाज को दे सकेगा. 자, 로마서 5장 20절을 봅시다. तो रोमियो 5 का 20 हम देखते हैं. 율법이 가입한 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो. 자, 율법은 엑스레이와 같다 그랬죠. तो मैंने बताया था कि व्यवस्था एक्सरे के समान है. 자, 이 말은 무슨 말이냐? तो इस वचन का मतलब क्या होता है? 의사 편에서 볼 때 तो डॉक्टर के नजरिए से अगर देखा जाए 엑스레이를 찍어 보자고 하는 이유는 तो डॉक्टर ने क्यों बोला कि एक्सरे करा के देख लो? 결핵을 크게 드러내기 위함이라는 거죠. तो वो मतलब टीबी की गंभीरता को प्रकट करने के लिए है. 자, 하나님이 왜 율법을 주셨습니까? तो परमेश्वर ने क्यों हमको व्यवस्था दी? 우리가 저주를 받고 멸망을 받을 수밖에 없는 죄인인데. तो हम पापी हैं जो कि सिर्फ श्रापित हो सकते हैं, सिर्फ नाश हो सकते हैं. 우리는 우리의 죄를 깊이 깨닫지를 못하는 거예요. लेकिन हम मतलब गहराई से अपने पाप को मतलब रियलाइज नहीं करते, समझते नहीं है. 하나님이 보실 때 그 죄 때문에 우리에게 사망이 오고 있는데. तो परमेश्वर जब देखता है तो मतलब ये पाप इन लोगों को मृत्यु की ओर ले जा रहा है. 우리는 우리의 죄를 심각하게 여기질 않는 겁니다. लेकिन हम अपने पाप को सीरियसली नहीं लेते. 그래서 이제 율법을 주신 거예요. इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया. 자, 여러분 로마서 5장 20절 뒷부분을 봅시다. तो रोमियो 5 के 20 का जो सेकंड हाफ है अगर हम उसको देखते हैं. 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니. परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ. 여러분 이 말씀을 어떻게 이해하십니까? आप इस वचन को कैसे समझते हैं? 성경은 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다는 거예요. बाइबल कहती है कि जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ.
여러분은 신앙생활을 하면서 또 제세 아프 나 아픈 집은 집대 죄가 덜한 곳에 은혜가 더욱 넘치겠지 하는 생각을 가지고 있지 않았습니까? 또게 아블로겐이 소소되게 그럼 밥 감거랭이 또 하면 아무래 나다 밀레가 많은 사람들이 죄가 덜한 곳에 하나님의 은혜가 더욱 넘칠 거라고 생각합니다. 또 뭐하 자다 로게 소소되게 그럼 마라 밥 감호가 또 퍼미션 아무래 하면 나다 밀레가 그러니까 성경을 믿지 않는 거예요. 또 누수 정도면 가자해 또 로그 바이블 믿음이 쉬워하지 않대. 하나님의 말씀은 또 퍼미션가 무슨 캐다해? 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘친다고 하시는데. 또 퍼미션가 무슨 캐다해? 자하 밥 뭐하 투아, 와하 안우그래 우스비 그냥 안돼 구아. 사람들의 마음은 죄가 덜한 곳에 은혜가 더욱 넘칠 거라는 그 생각을 가지고 있는 거예요. 근데 लोग सोचते हैं कि जहां पे मतलब पाप कम होगा तब हमको अनुग्रह ज्यादा मिलेगा. 자, 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘친다는 거죠. तो मतलब पाप वचन कह रहा है कि पाप बहुत होगा तो अनुग्रह बहुत होगा. 그럼 이게 무슨 말씀입니까? 무슨 मतलब क्या हुआ? 그럼 우리가 넘치는 은혜를 입으려면 तो अगर हमें बहुत अनुग्रह चाहिए. 죄를 많이 지어야 된다는 말인가? तो हमें बहुत लाइक पाप करना चाहिए. क्या इसका ये मतलब है? 사람도 죽이고 간음도 하고 막 도둑질도 하고 그래야 은혜를 입는가? 또 함 기시가 군 가랑이 외부자를 가랑이 조리 가랑이 또 함과 안 그래 밀레가? 여러분 이 말씀은 그런 뜻이 아니고 또 이 스바전가 에사 मतलब नहीं है. 엑스레이를 찍어서 또 엑스레이 가라는 게 बाद 결핵이 크게 드러나면 드러날수록 또 जितना ज्यादा टीबी ज्यादा प्रकट होगा 의사 선생님 앞에 환자의 마음이 더 낮아지고 또 जो मरीज है उसका मन डॉक्टर के सामने और लाइक नम्र हो सकेगा. 치료받고 싶은 마음이 더 간절해진다는 겁니다. और मतलब इलाज कराने का मन उसका और उत्सुक हो जाएगा. 다른 어떤 일보다도 किसी और काम से ज्यादा 내가 지금 결핵 치료를 받는 게 가장 먼저야. 하, 아비, 메리, TB 가 일하지 않나, 메리, 섭세, 브리, 프라스믹다 해. 내 생명과 관련된 일이기 때문에. 흉, 규기, 메리, 잔스, 주류의 밭 해. 지금 뭐 공부가 중요한 게 아니고. 아비, 브라일, 가입에 대한 데나, 저루리, 네. 직장 생활이 중요한 게 아니고. 아비, 너크리, 베게, 아차라, 뭐, 저루리, 밭, 네. 결혼이 중요한 게 아니고. 아비, 메리, 샤디, 사다, 저루리, 네. 내가 지금 빨리 결핵 치료를 받아야 하는구나. 아비, 메리, 섭세, 브리, 프라스믹다, 이 TB, 기, 베마리, 가, 일하지, 그라나 해. 그래서 여러분, 하나님 앞에 은혜를 입으려면. 또, 우시, 프라가, 그, 아프, 퍼미션, 세, 안우그레, 채기. 죄를 깊이 깨달아야 한다는 거죠. 또, 앞내, 밥고, 게라이, 세, 사마즈나, 저루리, 해. 오늘날 많은 사람들이 이 말씀의 의미를 잘 모르기 때문에. 또, 아주, 뭐, 록, 해, 조, 이, 스바전, 게, 맞랍고, 네, 사마즈대. 성경을 보면서도. 또, 자이, 뭐, 바이블, 고, 데이, 그래, 해. 이 말씀을 그대로 받아들이는 게 아니고 또 इस वचन को जो का त्यों स्वीकार करने की बजाय 죄가 덜한 곳에 하나님의 은혜가 더욱 넘치겠지. 아, 그럼 पाप कम करेंगे तो परमेश्वर हम पे अनुग्रह ज्यादा करेगा. 우리가 선하게 살고 अगर हम अच्छे काम करेंगे 우리가 할 수만 있으면 계명이나 율법을 잘 지켜서 जहां तक हो सके व्यवस्था का पालन करने की हम कोशिश करेंगे 죄를 덜 지어야 하나님의 은혜를 입을 수 있을 거야. 그럼 कम पाप करेंगे तभी तो परमेश्वर हमको अनुग्रह देगा. 여러분 그런 착각 속에 있는 사람들이 많다는 거죠. तो आज बहुत लोग इस प्रकार की गलत फहमी को रखते हैं. 자, 이제 율법을 주신 목적은 तो व्यवस्था देने का मकसद परमेश्वर का क्या है? 이 율법을 잘 지켜서 선한 사람이 되라고 주신 게 아닙니다. तो व्यवस्था हमें इसलिए नहीं दी गई कि तुम इसका पालन अच्छी तरह करो और तुम एक अच्छे इंसान बनो. 우리의 죄는 결핵과 같고 तो हमारा पाप टीबी के समान है. 율법은 엑스레이와 같다 그랬죠. और मैंने बताया कि व्यवस्था एक्सरे के समान है. 자, 율법이 내려오기 전에 이미 아담을 통하여 우리 모든 인간에게는 죄가 들어와 있었습니다. तो व्यवस्था के दिए जाने से पहले आदम के द्वारा हम सब मनुष्य के अंदर पाप पहले से था. 엑스레이를 찍어보기 전에 이미 몸 안에 결핵이 들어와 있었다는 거죠. 또 엑스레이 그라네세 페헬레히 하마레 샤르메 TB의 병마리 티. 근데 엑스레이를 찍어보기 전에는 결핵을 결핵으로 여기질 않는 거예요. 레긴 엑스레이 그라네세 페헬레 함네 TB고 TB 나히 마나. 아까 로마서 5장 13절에서
जिस प्रकार रोमियो 5:13 में हमने पढ़ा,율법이 없을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니한다고 돼 있었죠. 또 वचन कहता है कि व्यवस्था के दिए जाने से पहले चाहे पाप था लेकिन वह पाप गिना नहीं जाता था. 자, 엑스레이를 찍어 보니까 비로소 결핵이 드러나서 लेकिन जब एक्सरे करवाया तो टीबी जो था वो सामने प्रकट हो गया. 내가 결핵 환자라는 걸 깨닫게 되는 겁니다. और मतलब मरीज ने ये रियलाइज किया कि वो टीबी का मरीज है. 내가 결핵에 걸렸다는 걸 깨달아야 결핵 치료를 받을 수가 있는 거예요. 또 जब हम ये रियलाइज करेंगे कि हाँ मुझे टीबी की बीमारी है तभी तो हम उसका इलाज कराएंगे. 아담을 통하여 모든 인간들에게 죄가 들어왔는데, 아담 के द्वारा सब मनुष्य के अंदर पाप आ गया. 사람들은 자기가 얼마나 악한 죄인인지를 모르는 거예요. लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते कि वे कितने गंभीर पापी हैं. 여러분, 결핵을 못 고치면 죽습니다. 또 अगर आप टीबी का इलाज नहीं कराएंगे तो आप मर जाएंगे. 근데 의사가 결핵 치료를 해주고 싶어도 तो डॉक्टर मान लो किसी मरीज का इलाज करना भी चाहता है. 자기가 결핵에 걸렸다는 사실을 깨닫지 아니하면 लेकिन जब तक कोई ये रियलाइज नहीं करेगा कि उसको टीबी है,결핵 치료를 할 수가 없는 거예요. 또 टीबी का इलाज कैसे कराएगा? 자, 이제 죄가 들어와 있는데 자기가 죄인인 걸 깨닫지 못하면 तो पाप ऑलरेडी हमारे अंदर है लेकिन जो ये जानेगा नहीं कि वह पापी है죄 사함을 받을 수가 없는 거예요. तो वो कैसे पापों को क्षमा प्राप्त करेगा? 자기가 죄인인 걸 깨닫고 तो सबसे पहले जब कोई रियलाइज करता है कि वो पापी है이 죄로 말미암아 저주와 사망이 오는구나 하는 걸 깨달아야 जब उसको ये रियलाइज होगा कि इस पाप की वजह से मेरे ऊपर श्राप आ रहा है, मेरे ऊपर मृत्यु आ रही है,죄를 사하는 능력을 가진 예수님의 은혜 앞에 나오는 겁니다. तब वो यीशु मसीह जिसके पास पाप क्षमा करने की ताकत है उस यीशु के सामने जाएगा. 우리가 율법을 지킬 수는 없지만 तो हम चाहे व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते하나님 우리가 율법을 어겼을 때 लेकिन जब हम व्यवस्था को तोड़ते हैं우리의 죄를 깨닫고 परमेश्वर उसके द्वारा हमें हमारे पाप को पहचानने देता है. 하나님의 은혜와 긍휼 앞에 나아올 수 있는 길은 언제든지 열어놓으신 겁니다. और परमेश्वर ने सच में वो मार्ग हमेशा के लिए खोल के रखा हुआ है कि अपने पाप को पहचान के कभी भी हम उसकी दया के सामने जा सके. 그래서 신앙이라는 건 선을 행하려고 노력하는 게 아니고 तो आत्मिक जीवन अच्छाई करने की कोशिश करना नहीं है. 율법을 지키려고 예를 쓰는 게 아니고 व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करना नहीं है. 율법을 통하여 자신의 죄를 깨닫고 व्यवस्था के द्वारा अपने पाप को पहचान कर तो하나님의 은혜와 긍휼 앞에 나아가는 겁니다. परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के सामने जाना है. 여러분, 어떤 사람이 하나님의 은혜와 긍휼 앞에 나아갑니까? 또 कौन व्यक्ति परमेश्वर की दया और अनुग्रह के सामने जा सकता है? 어떤 사람이 의사 선생님 앞에 나아갑니까? 그 कौन व्यक्ति मतलब डॉक्टर के पास जा सकता है? 자기 건강하다고 믿는 사람, 또 जो अपने आप को तंदुरुस्त समझता है 아, 자기 결핵인 줄 모르는 사람은 의사 선생님 앞에 가지를 않아요. 또 जो ये नहीं जानता कि मुझे टीबी है वो क्यों डॉक्टर के सामने जाएगा? 그래서 예수님 말씀하시기를, 또 इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고, 또जो तंदुरुस्त है उन्हें वैद्य की आवश्यकता नहीं है. 병든 자에게라야 쓸데있느니라. लेकिन रोगी को वैद्य की जरूरत है. 여러분, 신앙은 스스로 건강한 자가 되는 게 아니고, 또 आत्मिक जीवन अपने आप से तंदुरुस्त बनना नहीं है. 병든 자가 되어서 예수 그리스도의 은혜와 긍휼 앞에 나아가는 거예요. 또 आत्मिक जीवन रोगी बन के यीशु मसीह की दया और अनुग्रह के सामने जाना है. 그래서 율법을 통하여 자기가 죄인인 걸 깨닫고, 또 व्यवस्था के द्वारा जो ये पहचानता है कि वो पापी है예수 그리스도의 은혜와 긍휼 앞에 나아가면 और वह यीशु मसीह की दया और उसके अनुग्रह के सामने जाता है. 예수님은 은혜와 긍휼의 풍성하신 분이고 यीशु मसीह सच में दया का धनी है. वो दया से भरा हुआ है. 예수님은 지혜와 능력이 충만한 분이고 यीशु मसीह सच में बुद्धि से और ताकत से भरा हुआ है. 예수님은 우리를 깊이 사랑하는 분이기 때문에 और सच में यीशु मसीह हमें गहराई से प्यार करने वाला है. 우리의 모든 죄를 씻어주시는 겁니다. 이슬에 왜 हमारे सारे पापों को धो देता है. 대부분의 의사들은 돈을 받고 치료를 하지만,
ज्यादातर डॉक्टर्स पैसे के लिए इलाज करते हैं। 예수님은 값 없는 은혜로 우리 죄를 씻어주는 겁니다. 근데 이슈 머신에 사실에 비나 किसी कीमत के हमारे पापों को धो दिया। 자, 여러분, 우리가 율법의 행위로는 어떤 사람도 의롭게 될 수 없지만 또 व्यवस्था의 감옥에 사실에 हमसे कोई भी धर्मी नहीं बन सकता। 예수님은 어떤 죄인도 의롭게 할 수가 있습니다. 근데 이슈 머신 किसी भी पापी को धर्मी बना सकता है। 율법은 아무리 선한 사람이라도 정죄하지만 또 व्यवस्था의 सामने मतलब कितना भी भला व्यक्ति क्यों ना हो वो अपने आप को दोषी ठहराता है। 하나님의 은혜는 아무리 더러운 죄인이라도 의롭게 합니다. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह कितने भी घिनौने पापी को धर्मी बनाता है। 자, 이제 로마서 8장 4절에 보면 로미오 8의 4절에 좀 देखते हैं 율법의 요구라는 말이 나옵니다. 또 야하 व्यवस्था의 망크에 바람에 लिखा हुआ है। 자, 여러분, 율법이 우리에게 요구하는 게 있습니다. 맞아요. व्यवस्था의 हमसे कुछ मांग है। 자, 율법은 우리에게 두 가지를 요구합니다. 또 व्यवस्था हमसे दो चीजें मांगती है। 자, 이 율법은 자비나 긍휼이 전혀 없는 법이에요. 또 व्यवस्था एक ऐसा कानून है जिसमें कोई दया या कृपा नहीं है। 야고보서 2장 10절에 보면 또 야고보의 기탑 2의 10에 좀 देखते हैं 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나에 거치면 तो वहां लिखा है कि अगर तुम व्यवस्था की सारी बातों को मानोगे लेकिन एक में भी अगर तुम चूक जाओगे 모두 범한 자가 되나니 तो वे सब बातों में दोषी ठहर चुका है। 자, 여기 하나님은 누구든지 온 율법을 지키다가 또 야베 परमेश्वर कहता है कि जो सारी व्यवस्था का पालन करता है 그 613가지 율법 중에 한 가지라도 어기면 लेकिन 613에서 मान लो एक में भी चूक जाता है 전부 다 어긴 것과 똑같다는 거예요. वे सब बातों में दोषी ठहर चुका है। 자, 여러분이 율법을 지켜서 율법의 행위로 하나님 앞에 의롭게 되려면 तो अगर आपको व्यवस्था के कामों से परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना है, 여러분이 태어나서 죽을 때까지, तो आपके पैदा होने से लेकर आपके मरने तक, 613가지 율법을 단 한 가지도 단 한 번도 어기지 않고, तो 613 जो आज्ञाएं हैं व्यवस्था के अंदर, उसमें से एक व्यवस्था, एक आज्ञा को भी आपको एक भी बार नहीं तोड़ना है, 완전 무결하게 지켜야 합니다. 또 बिना एक को भी तोड़े हुए आपको हमेशा सारी को मानना पड़ेगा। 여러분이 태어나서 죽는 날까지 तो आपके पैदा होने के दिन से लेके आपके मरने के दिन तक 613가지 율법 중에 하나라도 어기면 तो 613 नियमों में से अगर आप एक भी नियम को तोड़ते हैं 단 한 번이라도 어기면 तो एक बार भी अगर आप उसको तोड़ते हैं 앞으로 율법을 잘 지켜도 이미 어긴 그 죄 때문에 여러분은 심판을 받고 지옥으로 가는 겁니다. तो आगे को मान लो ठीक है आप नहीं तोड़ोगे उसका भी आप पालन करोगे उसका भी आप ध्यान रखोगे तो भी क्योंकि आपने एक बार एक व्यवस्था को तोड़ दिया है उस वजह से आप नरक जाओगे। 자, 나뭇가지에 새로운 잎이 돋아난다고 해서 तो किसी टहनी के ऊपर मान लो एक नया पत्ता लगाए 이미 나온 잎이 없어지지 않는 것처럼 तो पहले जो पत्ते लगे हुए हैं वो गिर नहीं जाएंगे नए पत्ते की वजह से। 여러분이 앞으로 새로운 삶을 산다고 해서 आगे को मान लो आपने नया जीवन जीना शुरू कर दिया 이미 지은 죄가 없어지지 않습니다. लेकिन जो पाप आपने ऑलरेडी कर दिए वो गायब नहीं हो जाएंगे। 네, 여러분 가운데 율법을 완벽하게 지킨 분이 있습니까? तो आप में से कोई ऐसा है जिसे व्यवस्था का शुद्ध रूप से पालन किया है? 여러분 한 번도 남을 미워해 본 적 없고 कोई ऐसा है जिसने कभी किसी को घृणा नहीं किया है? 한 번도 음란한 생각하지 않고 कभी भी आपने कोई वासना की सोच नहीं रखी है? 한 번도 거짓말하지 않고 산 분 있습니까? कभी आपने कोई झूठ नहीं बोला है? आप में से कोई है जो ऐसा जिया है? 여러분, 우리는 아무도 율법을 지킬 수 없습니다. तो हम बिल्कुल भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। 자, 로마서 3장 20절을 한번 봅시다. तो रोमियो 3의 20절을 한번 देखते हैं। 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। 율법으로는 죄를 깨달음이니라. इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है।
율법의 행위로 하나님 앞에 의롭다함을 얻을 육체가 없습니다. 자, 하나님은 우리가 율법을 지킬 수 없다는 사실을 잘 알고 계십니다. 그런데 왜 율법을 주셨지? 이건 지켜서 의롭게 되라고 주신 게 아닙니다. 율법을 지켜서 구원을 받으라고 주신 게 아닙니다. 로마서 3장 20절을 보면 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 하나님이 율법을 주신 목적은 죄를 깨닫게 하기 위함입니다. 하나님이 살인하지 말라 하셨는데 내가 살인했을 때 하나님이 간음하지 말라고 하셨는데 내 마음에 음욕이 일어났을 때 아, 내가 하나님의 법을 어겼구나. 아, 맨에 मतलब परमेश्वर के नियमों को तोड़ दिया है. 율법을 세우신 하나님께 내가 불순종했구나. तो परमेश्वर जिसने व्यवस्था को स्थापित किया, मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया. 하나님 앞에 내가 죄인이구나. तो परमेश्वर के सामने मैं पापी हूं. 내가 지금 죽으면 지옥으로 가는구나. तो अगर मैं अब मर जाऊंगा तो मैं नरक जाऊंगा. 그래서 내가 하나님 앞에 은혜를 입어서 이 죄에서 구원을 받아야 하고 또 사실에 함에 मतलब उस पाप से छुटकारा पाना होगा उस पाप से आजादी पानी होगी. 죄 사함 받는 은혜를 입어야 하는구나. 또 पापों की क्षमा पाने का मतलब आशीष मुझे प्राप्त करना होगा. 그래서 우리에게 율법을 주셨다는 거예요. इसलिए हमें व्यवस्था दी गई. 자, 이제 로마서 8장 4절에 율법의 요구가 있다 그랬죠? 또 로미오 8의 4에 함 말하는데 이 व्यवस्था의 क्या मांग है. 예, 율법은 우리에게 두 가지를 요구합니다. 또 व्यवस्था हमसे दो चीजें मांगती है. 자, 율법의 첫 번째 요구가 뭐냐? 또 व्यवस्था의 पहली मांग क्या है. 네가 하나님의 율법을 완벽하게 지켜라. 또 पूरी व्यवस्था가 पालन करो. 네가 율법을 하나도 어기지 말고 다 지켜. 또 एक भी नियम को मत तोड़ो पूरी का मतलब तुम पालन करो. 그러면 너는 의롭게 되고 तब तुम धर्मी ठहरोगे. 그러면 너는 살게 돼. और तुम्हें जीवन मिलेगा. 이게 율법의 첫 번째 요구입니다. तो ये मतलब व्यवस्था की पहली मांग है. 자, 율법의 두 번째 요구가 있습니다. तो व्यवस्था मतलब व्यवस्था की दूसरी मांग क्या है. 만일 네가 율법 중에 하나라도 어기면 अगर तुम व्यवस्था में से एक को भी तोड़ोगे, 너는 저주를 받고 멸망을 당해. तो तुम श्रापित होगे और तुम नाश होगे. 여러분, 제가 강원도 원주라는 곳에 살고 있었습니다. तो मैं एक टाइम था कि मैं ख्वांगवांडो में वंजू नाम की जगह पे रहता था. 서울에 행사가 있었는데. तो सोल में एक हमारा इवेंट था. 강원도는 자연이 굉장히 아름답고 공기가 좋기 때문에. तो ख्वांगवांडो जैसे कि मतलब वहां पे नेचुरल ब्यूटी बहुत सुंदर है. मतलब हवा बहुत साफ है. 주말이 되면 서울 시민들이 많이 내려와요. तो जैसे सैटरडे संडे होता है तो सोल शहर में रहने वाले लोग वहां घूमने पहुंच जाते हैं. 주일에 서울에 행사가 있었는데. लेकिन हमारा प्रोग्राम मतलब संडे को सोल शहर में था. 제가 차가 좀 밀리겠다 싶어서 1시간 전에 출발을 했습니다. तो मुझे लगा कि शायद ट्रैफिक मिलेगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी मैं निकल गया. 근데 차가 너무 많이 밀리는 거예요. और बहुत ज्यादा ट्रैफिक था. 그래서 막 내가 막 시간이 늦겠다. तो मैं बहुत घबरा रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगा. 마음을 졸이면서 막 차를 막 굉장히 급하게 몰았어요. तो मैं घबराते घबराते बहुत तेज मतलब गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था. 행사장에 도착하니까 और जब मैं वेन्यू पे पहुंचा 차가 너무 많아서 주차할 데가 없는 거예요. तो इतनी भीड़ थी कि मतलब मेरे को पार्किंग की जगह नहीं मिली. 주말인데 도로에 보니까 사람들이 차를 많이 대놨더라고요. तो वीकेंड था मतलब इसलिए लोगों ने सड़कों पे गाड़ियां लगाई हुई थी. 뭐 다른 사람들이 차를 세워놨으니까 तो हर जगह मतलब पार्किंग जो थी वो फुल थी. 주차장에 주차할 자리도 없고
और मतलब सड़कों पे भी लोगों ने गाड़ियां लगा रखी थी,나도 저기에 차를 대야 되겠다. तो मुझे लगा कि चलो मैं भी यहीं पे कहीं गाड़ी लगा देता हूँ।그 이제 도로에 파킹을 하고 행사를 참석하고 차로 왔어요. तो मैंने सड़क पे गाड़ी लगा दी और मैं प्रोग्राम के लिए चला गया और फिर मैं खत्म होने के बाद बाहर वापस आया।그 한국은 이제 주차를 위반하면 차에다가 스티커를 붙여놔요. तो कोरिया में ये होता है कि जैसे जैसे तुमने कोई पार्किंग का रूल तुमने तोड़ा है तो जो पुलिस है वो आके एक स्टिकर लगा देगी तुम्हारी गाड़ी के ऊपर। कल제 차에 오니까 스티커가 안 붙어 있는 거예요. तो मतलब उस दिन जब मैं आया तो मेरी गाड़ी पे स्टिकर नहीं था,야, 오늘 도로에 불법 주차를 했는데 तो मैंने मतलब इलीगली यहाँ पे पार्किंग करी थी,스티커를 안 끊겼구나. 야, लेकिन मुझे फाइन नहीं हुआ, मैं बच गया।오늘 돈 벌었다. तो आज तो मैंने पैसे कमा लिए,기분이 좋았어요. तो मैं मेरा मूड बहुत अच्छा था,그래, 차를 타고 막 신나게 집으로 왔습니다. मैं बहुत मतलब एक्साइटेड होके गाड़ी चला के घर आ रहा था।한 열흘쯤 지났는데, तो करीबन 10 दिन के बाद서울시장님이 저한테 고지서를 하나 보냈어요. तो सोल का जो मेयर था उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी,여러분, 안 보이시겠지만, तो आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से,제차 사진을 석 장이나 찍어 놓고, तो मेरी गाड़ी की 3 फोटो खींची हुई हैं제가 주차 위반을 했다고, और वहां लिखा हुआ है कि आपने इलीगली पार्किंग करी हुई है,위반 일시, तो मतलब पहला आपका ये आपने रूल तोड़ा है위반 장소, और मतलब आपने इस जगह पे गलत पार्किंग की थी그 다음에 주차 위반에 관한 법, और मतलब कौन से रूल के अंतर्गत आपने गलत किया그리고 벌금을 여기 적어 놓은 거예요. और आपको कितना फाइन हुआ वो लिखा हुआ है।아, 내가 그날 스티커 안 끊겼다고 좋아했더니만은, 또 मैं इतना खुश हो रहा था कि उस दिन मतलब मेरी गाड़ी पे स्टिकर नहीं लगा, मुझे फाइन नहीं हुआ, ये तो 스티커를 끊었네. लेकिन 10 दिन के बाद मतलब मुझे अरे ये मिल गया벌금이 굉장히 많이 나온 거예요. और फाइन बहुत ज्यादा है,그 내가 이제, 이것도 벌금도 많이 뜯기게 생겼네. तो मुझे लगा कि अरे फिर से इतना फाइन हो गया मुझे।어떤 형제님이 왔어요. लेकिन तब एक भाई आए, तो목사님, 그거 뭡니까? भाई पूछने लगे कि पास ये क्या है, तो내가 한 10일 전에 서울에 그 행사 갔었잖아요. मैंने कहा कि मैं 10 दिन पहले सोल में एक प्रोग्राम के लिए गया था,주차장에 뭐 도저히 자리가 없어가지고 도로에 차를 좀 세워놨는데, पार्किंग की कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, तो मुझे सड़क पे एक गाड़ी गाड़ी लगानी पड़ी।주일인데 또이 스티커를 끊었다고. 또 संडे का दिन था लेकिन फिर भी देखो ये फाइन हो गया। 이거 서울 시민들이 말이야, 강원도 촌 사람들한테 좀 아량을 베풀어야지. तो ये सोल शहर के लोग मतलब हम गांव वाले लोग वहां पे गए हैं, तो थोड़ी तो हमारे साथ मतलब इनको कोमलता दिखानी चाहिए।그 서울 시민들 돈도 많은데 이 강원도 사람한테 꼭이돈 내라고 또 이걸 보냈다고. तो सोल के लोगों के पास वैसे इतना पैसा है लेकिन फिर भी गांव वालों का पैसा खाना चाहते हैं और देखो हमें ऐसे फाइन लगा के भेज दिया है। तो그 형제님이, 아예 목사님 그거 저 주십시오. उस भाई ने बोला कि पास मुझे दे दो,제가 내드리겠습니다. मैं भर देता हूँ आपके लिए, तो제가 굉장히 기분이 좋았어요. मैं बड़ा खुश हो गया, तो감사한데, मैं धन्यवादी था।그래도 형제님이 이 벌금을 대신 내주겠다 한다고 तो क्योंकि उस भाई ने बोला कि आपकी जगह मैं ये फाइन भर दूंगा,목사가 또 덜렁, 아니 그럼 형제님 내주세요, 또 그럴 수 없잖아요. लेकिन पास्टर होने के नाते मैं एकदम से हाँ जी हाँ जी आप भर दो ऐसे उनके हाथ में नहीं पकड़ा सकता।그래서, 아 형제님 이거 제가 잘못한 건데 벌금 제가 내야죠. तो मैंने कहा नहीं भाई मेरी गलती है, मैं भरूंगा फाइन,아 제가 낼게요. नहीं पास्टर जी मैं भर दूंगा।제가 말은 그렇게 하지만 तो चाहे मतलब मैंने ऐसे बोला저는 형제님이 내줄 걸 확실히 믿고 있었어요. लेकिन मुझे विश्वास था कि ये भाई जरूर भर देगा। 형제님이 내뱉은 말을 절대로 다시 주워 담지 않을 걸 저는 알았어요. तो मुझे पता था कि उस भाई ने जब एक बार अपने मुंह से कह दिया वो कभी अपनी बात को वापस नहीं लेगा।그래도 목사가, 아, 이거 내가 낼게요, 이렇게 말해야지. लेकिन फिर भी एक पास्टर होने के नाते बोलना चाहिए ना, नहीं नहीं मैं दूंगा, कहा,형제님 내세요. तो एकदम से कैसे बोल देंगे नहीं भाई ठीक है भाई तू भर दे,그러면 안 된단 말이에요. गलत है ना ऐसा करना।근데 형제님이, 아이 목사님 주세요. लेकिन ये भाई मतलब फोर्स करने लगा, पास दे दीजिए मुझे दे दीजिए,우리 형제님이 이제 고지서를 가져갔어요. तो ये भाई मतलब मुझे ले गए그 다음날 영수증을 하나 저한테 가져왔어요. और अगले दिन उन्होंने ये रसीद लाके मुझे दे दी,영수증에 제 이름이 기록돼 있고, तो रसीद के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है,
이제 벌금을 은행에 냈다는 증서가 여기 있어요. और मतलब यहाँ पे proof है कि इस bank account से मतलब ये fine भर दिया गया. 목사님, 그 벌금 냈습니다. पास्टर जी मैंने fine भर दिया. 영수증 가져왔는데. तो ये रसीद है. 잘 보관해 두십시오. तो आप इसको ध्यान से रख लो. 자, 대한민국의 법은 두 가지를 요구합니다. तो कोरिया का जो कानून है वो मुझसे दो मांग रखता है. 네가 주차의 이 차량에 관한 법을 완벽하게 지켜. 야, 또 तुझे ट्रैफिक रूल्स को मतलब 100% सब मानना पड़ेगा. 법을 어기지 마. रूल को मत तोड़ो. 그럼 넌 죄가 없게 돼. तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं है. 자, 이게 법의 첫 번째 요구입니다. तो ये मतलब कानून की पहली मांग है मुझसे. 근데 법의 두 번째 요구가 있어요. लेकिन कानून की दूसरी मांग भी है. 네가 한 번이라도 법을 어기면 तो अगर तुम एक बार भी इसको तोड़ते हो 벌금을 내야 돼. तो तुम्हें उसका फाइन भरना पड़ेगा. 법이 정한 벌을 받아야 돼. तो जो भी कानून के हिसाब से तुम्हारी सजा है वो सजा तुमको पानी पड़ेगी. 자, 내가 법을 완벽하게 지킨다는 건 불가능합니다. तो मतलब पूरे रूल्स को 100% हमेशा मानना असंभव है. 나는 율법의 첫 번째 요구대로 살 수가 없어요. तो व्यवस्था की जो पहली मांग है उस हिसाब से हम लोग नहीं रह सकते. 그래서 두 번째 요구에 따라 तो दूसरी व्यवस्था की मांग के हिसाब से 저주를 받고 영원한 지옥에 가야 하는데 तो हमें श्रापित होना था और अनंत काल के नरक में जाना था. 내가 저주를 받고 지옥에 가서도 안 되는 거예요. लेकिन मैं क्यों मतलब मैं नाश नहीं हो सकता, अनंत काल के नरक नहीं जाना चाहता. 내가 도로 교통법을 완벽하게 지키면 되는데. तो अगर मैं perfectly मतलब traffic rules को मानूंगा तो कोई समस्या नहीं होगी. 내가 도로 교통법을 완벽하게 지킬 수가 없어요. लेकिन मैं सारे traffic rules को perfectly हमेशा नहीं मान सकता. 그 도로 교통법을 어기면 तो जब हम उन rules को तोड़ते हैं 법이 정한 죄의 값을 지불해야 돼요. तो कानून के हिसाब से मतलब व्यवस्था के हिसाब से जो भी उस पाप की कीमत है वो हमको चुकानी पड़ेगी. 예, 법을 어기고 죄를 지었을 때 तो जब हम कानून को तोड़ते हैं और पाप करते हैं 법이 정한 벌금을 내는 것도 법의 요구를 이루어 주는 거예요. तो कानून के हिसाब से जो भी फाइन भरना है अगर हम उसको भर देते हैं तो भी हम उस कानून की मांग को पूरा कर देते हैं. 자, 내가 도로 교통법을 어겼을 때는 우리 형제님이 벌금을 대신 내 줄 수가 있습니다. 또 मेरा भाई जो मेरे चर्च का भाई है उसने मेरी जगह मेरा फाइन भर दिया. 자, 여러분 벌금은 대신 내 줄 수가 있는데 또 फाइन तुम्हारी जगह कोई और भी तुम्हारे लिए भर सकता है. 대한민국의 법과 하나님의 율법은 달라요. लेकिन परमेश्वर की जो व्यवस्था है और जो कोरिया का कानून है वो अलग है. 자, 하나님의 율법은 우리에게 뭘 요구하느냐? तो परमेश्वर की व्यवस्था हमसे क्या मांगती है? 네가 613가지 율법을 하나도 어기지 말고 완벽하게 지켜라. तो परमेश्वर की व्यवस्था कैसी कहती है कि 613 में से तुझे मतलब एक को भी नहीं तोड़ना है, सबकी सब माननी पड़ेगी. 네가 태어나서 죽을 때까지 पैदा होने से लेकर मरने तक 하나님이 주신 율법을 하나도 어기지 말고 다 지켜. तो परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था को मतलब मत तोड़ो, मतलब सबको मानो. 그러면 너는 의롭게 되고 तो तब तुम धर्मी ठहरोगे. 그러면 너는 구원을 받아. और तब तुम उद्धार पाओगे. 자, 이것이 율법의 첫 번째 요구입니다. तो ये व्यवस्था की मतलब पहली मांग है. 자, 율법의 두 번째 요구는 तो व्यवस्था की दूसरी मांग क्या है? 네가 율법 중에 하나라도 어기면 तो अगर तू व्यवस्था में से एक को भी तोड़ता है 저주와 사망이 너를 따라와. तो मृत्यु और श्राप तेरा पीछा करेगी. 자, 갈라디아서 3장 10절을 보겠습니다. गलातियों 3 का 10 हम देखते हैं. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바. जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं. 자, 여러분 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있다는 거예요. तो वचन कहता है कि व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखने वाले श्राप के अधीन हैं.
만일 우리가 율법을 지킬 수 있다면 문제가 안 되는데. 또 अगर हम इस व्यवस्था का पालन कर सकते तो कोई समस्या नहीं थी. 하나님은 율법을 지킬 수 있는 사람이 아무도 없다고 분명히 말씀하셨습니다. लेकिन परमेश्वर ने हमें साफ बताया है कि कोई भी इस व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता. 결과적으로 율법은 우리에게 축복의 법이 아니고 저주의 법입니다. तो निष्कर्ष ये निकलता है कि व्यवस्था जो है ये कोई आशीष की व्यवस्था नहीं है, ये श्राप की व्यवस्था है. 부분을 보시면 अगर हम इस वचन का मतलब पीछे का हिस्सा देखेंगे. 누구든지 율법책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है. 여기 누구든지 이 말은 예외가 없다는 겁니다. तो वचन कहता है जो कोई, जो कोई मतलब कोई भेदभाव नहीं है. 그 사람이 목사든지 장로든지. जो कोई मतलब चाहे कोई पास्टर है, चाहे कोई एल्डर है. 율법책에 기록된 대로 온갖 일을. जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में. 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라. फिर नहीं रहता वे शापित है. 자, 율법책에 기록된 일들은 613가지입니다. 또 व्यवस्था에 अंदर 613 आज्ञाएं हैं. 그 613가지 율법 이제 율법에 기록된 613가지 중에서 온갖 일을 이 온갖 일이라는 말은 하나라도 어기면 안 된다는 거예요. 또 लिखा है कि मतलब 613 में सब बातों के करने में स्थिर रहना है. सब बातों के करने में स्थिर रहना मतलब उसमें से एक भी आज्ञा को तुमको नहीं तोड़ना है. 항상 행하지 아니하는 저주와 있다. 이 항상이란 말은 한 번이라도 어기면 안 된다는 겁니다. 또 스틸 नहीं रहता. स्थिर नहीं रहता मतलब कि लगातार अगर वो नहीं करता. एक बार भी अगर मान लो कि वो बीच में तोड़ देता है. 그러니까 율법은 한 가지라도 어기면 안 되고 한 번이라도 어기면 안 된다는 거예요. मतलब अगर आसान शब्दों में समझाया जाए कि व्यवस्था में जितनी बातें हैं उसमें से तुमको एक को भी नहीं तोड़ना है और कभी भी नहीं तोड़ना है. 자, 율법을 한 가지라도 어기고 한 번이라도 어기면 저주가 따라오는 겁니다. तो चाहे तुमने सिर्फ एक बात को एक बार तोड़ा है तो भी तुम्हारे ऊपर श्राप आएगा. 그런데 하나님은 우리 인간들은 아무도 율법을 지킬 수가 없다고 말씀하셨습니다. तो परमेश्वर पहले ही कह चुका है कि वह जानता है कि हम में से कोई भी उस व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता. 율법은 하나만 어겨도 저주가 따라오는데 एक भी व्यवस्था के बात को अगर आप तोड़ेंगे तो श्राप आपके ऊपर आएगा. 율법을 지켜서 의롭게 될 수 있는 사람이 아무도 없으니까. क्योंकि व्यवस्था का पालन करके कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकता. 결과적으로 율법은 저주의 법인 거예요. तो इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि व्यवस्था सच में श्राप की व्यवस्था है. 그래서 율법의 행위 아래 있는 사람은 저주 아래 있는 사람이라는. इसीलिए जो भी व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है मतलब व्यवस्था के कामों के अधीन है वो श्राप के अधीन है. 자, 우리는 율법의 첫 번째 요구대로 율법을 완벽하게 지킬 수가 없습니다. तो हम लोग व्यवस्था की जो पहली मांग है मतलब उसके करने में हमको स्थिर रहना है उस मांग को हम पूरा नहीं कर सकते. 그래서 율법의 두 번째 요구에 따라 तो व्यवस्था की दूसरी मांग के अनुसार 저주를 받아야 되는데 हमें सच में श्रापित होना पड़ेगा. 내가 저주를 받고 지옥에 가서도 안 되는 거예요. लेकिन हम कैसे मतलब श्रापित हो जाएं और कैसे हम ऐसे नरक चले जाएं? 그럼 어떻게 하죠? तो अब हम क्या करें? 자, 내가 도로 교통법을 어겼어요. तो जब मैंने मतलब ट्रैफिक रूल को तोड़ा था. 내가 벌금을 내야 되는데. तो मुझे फाइन भरना था. 내가 벌금을 내지 않으려면. लेकिन अगर मुझे वो फाइन नहीं भरना है. 내가 그 죄에서 벗어나려면. अगर मुझे उस पाप से आजाद होना है. 누군가가 내 벌금을 대신 내줘야 되는 거예요. तो किसी और को मेरी जगह मेरा फाइन भरना होगा. 자, 그래서 우리는 율법의 요구대로 살 수가 없기 때문에 तो हम लोग व्यवस्था की मांगों को पूरा नहीं कर सकते. उसके हिसाब से हम नहीं जी सकते. 우리에게 필요한 것은 예수님의 대속이라는 겁니다. तो इसीलिए हमें यीशु के छुटकारे की जरूरत पड़ी. 우리는 율법으로 말미암아 율법에 따라 죽어야 되는데 또 व्यवस्था의 हिसाब से हमको मरना था, नाश होना था. 하나님 우리를 사랑하셔서 लेकिन परमेश्वर ने क्योंकि हमसे प्रेम किया 우리를 살리시기 위하여 हमें जीवन देने के लिए
예수 그리스도로 말미암은 대속의 길을 만들어 놓은 거예요. 이슬람 이슈 마시케 द्वारा हमारे लिए एक छुटकारे का रास्ता यीशु परमेश्वर ने खोल दिया. 내가 주정차법을 위반했는데. 맨에 मतलब पार्किंग का जो नियम है उसको तोड़ा था. 우리 형제님이 내 벌금을 대신 내어 주면 लेकिन मेरे चर्च के भाई ने मेरी जगह पे वो फाइन भर दिया. 나는 아무것도 안 했는데. तो चाहे मैंने कुछ नहीं किया. 나는 법을 어긴 것밖에 한 일이 없는데. मैंने सिर्फ उस रूल को तोड़ा है, उस कानून को तोड़ा है. 그 형제님의 은혜로 내 죄가 없어져 버리듯이. लेकिन उस भाई के अनुग्रह से मेरा पाप खत्म हो गया. 우리는 하나님 앞에서 죄를 짓고 율법을 어긴 것밖에 없는데. तो हम लोगों ने भी परमेश्वर के सामने सिर्फ पाप किया है और व्यवस्था को तोड़ा है. 그래서 내가 저주를 받고 멸망을 당해야 하는데. तो हमें सच में श्रापित होना है और नाश होना है. 하나님은 나를 사랑하셔서 लेकिन परमेश्वर ने क्योंकि हमसे प्रेम किया 나를 구원하시기 위하여 और मुझे हमें सच में उद्धार देने के लिए 내 영혼을 살리시기 위하여 हमारे प्राण को जीवन देने के लिए 죄 없는 예수님을 이 세상에 보내시고 तो निष्पाप यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया 예수 그리스도의 몸에 우리의 모든 죄를 담당시킨 겁니다. और यीशु मसीह की देह के ऊपर हमारे सारे पापों को लाद दिया. 그 예수님이 우리의 죄값을 치르시고 우스 이슈는 हमारे पापों की कीमत को चुकाया. 예수님께서 율법의 요구를 이루어 주시기 위하여 और व्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए 십자가에 못 박혀 죽으심으로 이슈 머신의 크루스에 ऊपर अपनी जान दे दी. 우리의 모든 죄를 씻는 길을 준비하신 거예요. और उसके द्वारा उसने हमारे सारे पापों को धो देने का मार्ग तैयार किया. 그래서 2000년 전 예수님이 이 세상에 오셨습니다. 이슬레 2000살 전에 예수 머시 이 세상에 아야. 자, 어제 우리가 이사야 53장을 봤습니다. 오늘 함네 예사야가 53 वचन देखा था. PPT 빨리빨리 좀 안 뜨네요. 이사야 53장 6절을 보겠습니다. 예사야 53가 6. 자, 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘. तो हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हमने हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया. 여러분 여기 all we라고 돼 있죠. यहां all we लिखा हुआ है इंग्लिश में, मतलब हम सब. 아담 자손 전부를 이야기하는 겁니다. तो हम सब का मतलब है कि आदम की संतान हम सब. 우리 모든 사람들은 다 그릇 행하여 각기 제 길로 갔다. तो हम सब मनुष्य भटक गए थे, हम सब अपने अपने मार्ग पे चले गए थे. 우리는 다 율법을 어겼고 다 죄를 지었다는 거예요. 또 हम सब ने व्यवस्था को तोड़ा, हम सब ने पाप किया. 그런데 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 예수 그리스도에게 담당을 시킨 겁니다. लेकिन सच में यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया. 하나님이 친히 예수님에게 우리의 모든 죄를 담당을 시켰습니다. तो परमेश्वर ने खुद हमारे सारे पापों का बोझ यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया. 예수님은 죄가 없는 하나님의 아들이신데. तो यीशु मसीह निष्पाप परमेश्वर का पुत्र था. 죄 없는 예수님에게는 사망이 임할 수 없습니다. तो निष्पाप यीशु मसीह के ऊपर असल में मृत्यु नहीं आ सकती थी. 예수님은 아담의 혈통에서 나신 분이 아닙니다. तो यीशु मसीह आदम का खून नहीं था, वह आदम की संतान नहीं था. 예수님은 요셉의 아들이 아니에요. तो वो यूसुफ का बेटा नहीं था. 예수님은 아담의 씨에서 나신 분이 아니라 성령으로 잉태가 되셨어요. तो यीशु मसीह आदम के बीज से उत्पन्न हुई संतान नहीं है, वह पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ है. 예수님은 구약에 예언된 대로 여자의 후손으로 오셨죠. तो जैसा पुराने नियम में भविष्यवाणी थी उसको मतलब स्त्री का पुत्र कहा गया है. 그 예수님 죄가 없는 분인데. तो इसलिए यीशु मसीह निष्पाप था. 죄 없는 예수님이 왜 십자가에 못 박혀 죽어야 했나? तो निष्पाप यीशु मसीह को क्यों मतलब क्रूस के ऊपर मरना पड़ा? 죄 없는 예수님에게 왜 사망이 임해야 했나? तो निष्पाप यीशु मसीह के ऊपर क्यों मृत्यु आई? 그건 이사야 53장 6절에 기록된 말씀대로 또 वो जैसा यशाया 53 के 6 में लिखा है. 우리 모두의 죄를 하나님께서
예수님에게 담당을 시켰기 때문입니다. परमेश्वर ने मतलब हम सबों के पाप को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया. 자, 고린도 전서 15장 55절을 보겠습니다. तो पहला कुरिन्थियों 15 का 55 वचन हम लोग देखते हैं. 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐? 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 고린도전서 15장 55절. 1라 고린도 15가 55. हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? 56절을 보겠습니다. 56 देखेंगे. 사망의 쏘는 것은 죄요. मृत्युका डंक पाप है. 자, 사망의 타깃이 있습니다. 또 मृत्युका मतलब एक टारगेट है. 여러분, 사망은 뭘 쏩니까? तो मृत्यु मतलब किसको डंक मारती है? 사망이 화살을 딱 가지고 तो जैसे मृत्यु ने अपना तीर कमान उठाया. 죄가 보이면 और जब उसे पाप दिखाई देता है 죄를 가진 사람을 쏴 버리는 거예요. तो पाप रखे व्यक्ति को वो डंक मार देता है मतलब उसको अपना तीर उसके ऊपर चला देता है. 사망은 무슨 죄라는 겁니다. तो मतलब मृत्यु का डंक पाप है. 자, 예수님은 죄가 없으신데 이슈 머지기 안달 밥 나히타 하나님께서 우리 인류의 모든 죄를 예수님께 담당시켰기 때문에 लेकिन परमेश्वर ने क्योंकि सब मनुष्य जाति का पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया 실제로 우리 죄가 예수님에게로 넘어갔기 때문에 क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोगों का पाप जो है वो यीशु मसीह के ऊपर चला गया 사망의 화살이 예수님을 쏴야 하는 겁니다. तो इसीलिए जो मृत्यु का डंक था वो यीशु मसीह के ऊपर लगना पड़ा. 여러분 2000년 전 우리가 태어나기도 전에 तो 2000 साल पहले हमारे पैदा होने से भी पहले 하나님은 예수님에게 우리의 모든 죄를 담당시키셨습니다. परमेश्वर ने हमारे सारे पापों का जो बोझ है वो यीशु के ऊपर लाद दिया. 우리의 죄가 예수님께 담당되었기 때문에 क्योंकि यीशु ने हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लिया. 요한복음 1장 29절에 보면 또 이슬리에 요한나 1개 29절에 क्या लिखा है? 세례 요한은 예수님을 이렇게 소개하고 있습니다. 또 요한나 예수 머시가 परिचय कैसे देता है? 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 오 देखो परमेश्वर मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है. 자, 세례 요한이 보라 하고 이야기합니다. 또 요한나 कहते हैं वो देखो. 누구를 보라는 겁니까? 이스코 데코. 예수 그리스도를 주목하라는 거예요. 이슈 머시기오 데코. 예수님을 바라보라. 이슈 머시코 데코. 저 예수님이 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. 오 이슈 जगत के पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है. 왜 세례 요한이 보라 하고 이야기합니까? तो क्यों योहन्ना बोलता है कि वो देखो. 왜 예수님이 세례 요한이 예수님을 바라보라고 이야기합니까? 또 क्यों मतलब योहन्ना ने बोला कि यीशु मसीह को देखो. 세상 죄가 예수님께 담당되어 있는데 क्यों क्योंकि जगत का पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया. 우리 모든 죄가 2000년 전에 예수님께 담당되었는데 तो हम सबका पाप सिर्फ 2000 साल पहले यीशु मसीह के ऊपर चला गया. 예수님이 내 모든 죄를 지고 있는데 तो यीशु मसीह ने हम सबों के पाप को अपने ऊपर ले लिया. 사람들은 우리의 죄를 짊어진 예수님을 바라보지 않고 लेकिन लोग मतलब हमारे पापों को उठाने वाले यीशु मसीह की ओर ना देखकर 딴 것을 바라보고 있는 거예요. कुछ और देखते हैं. 이미 예수님을 바라보고 있다면 तो अगर वो यीशु की ओर देख रहे होते 예수님을 보라고 할 필요가 없죠. तो योहन्ना को बोलने की जरूरत ना पड़ती कि देखो. 예수님이 아닌 다른 것을 바라보고 있기 때문에 क्योंकि लोग यीशु को ना देखकर किसी और चीज को कहीं और देख रहे हैं. 세례 요한은 behold 하고 이야기하는 거예요. तो इसलिए योहन्ना बोलते कि देखो. 자, 예수님을 바라봐. 예수 को देखो. 저 예수님이 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이야. वो यीशु सच में जगत के पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है. 자, 어제 우리가 파워포인트를 봤는데 तो कल हमने पावरपॉइंट पे देखा था. 여러분 이제 세상이라는 것은 तो जगत का मतलब क्या है? 아담으로부터 이 지구 위에 살게 될 마지막 사람까지를 세상이라고 합니다. तो
आदम से लेके इस पृथ्वी के ऊपर जो आखिरी मनुष्य होगा वो उसको मिला के जगत बनता है. आदम के हुसन 중에는 노아도 있고 तो आदम की संतान के अंदर नूह भी है. अब्राहम도 있고 모세도 있죠. अब्राहम भी है, मूसा भी है. 그리고 2000년 전 예수님이 오셨습니다. तो 2000 साल पहले यीशु मसीह आए. 자, 우리는 지금 2021년이라는 이 시점에 서 있습니다. अभी हम 2021 में जी रहे हैं. 그 내가 태어난 때가 있었고 죽는 날이 있겠죠. तो एक टाइम था जब मैं पैदा हुआ और एक टाइम होगा जब मैं मर जाऊंगा. 자, 언젠가 이 세상에 살게 될 마지막 한 사람이 있을 겁니다. तो एक व्यक्ति होगा जो इस दुनिया का मतलब आखिरी आदमी होगा. 예수님은 무슨 죄를 짊어지셨느냐? तो यीशु मसीह ने मतलब कौन सा पाप अपने ऊपर उठा लिया? 온 세상 모든 사람의 죄를 짊어졌어요. तो पूरे जगत के मनुष्य जाति के सारे पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया. 그래서 세례 요한은 예수님을 가리켜서 तो इसलिए योहन्ना जब यीशु मसीह को देखता है वो बोलता है 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 이야기를 하는 겁니다. वो कहते हैं कि वो देखो परमेश्वर मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है. 자, 이제 예수님은 세상의 모든 죄를 지시고 तो यीशु मसीह ने जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लेने के बाद 여러분과 나의 모든 죄 आपका और मेरा सारा पाप 과거에 지은 죄나 앞으로 지을 죄나 तो आपका भूतकाल का पाप, भविष्य का पाप 마음으로 품은 죄나 행동으로 지은 죄나 आपने जो अपने मन से पाप किया है और या अपने कामों से पाप किया है 큰 죄나 작은 죄나 आपका चाहे बड़ा पाप है या छोटा पाप है 알고 지은 죄나 모르고 지은 죄나 तो आपने जानबूझ के किया है या गलती से किया है 우리 온 인류의 모든 죄를 짊어지고 तो सब मनुष्य जाति के पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया 그 죄의 사실 사망이기 때문에 और क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है 이제 예수님은 십자가를 향하여 가고 계시는 겁니다. इसलिए यीशु अब क्रूस की ओर जा रहा था. 자, 이제 우리 죄가 해결되려면 हमारे पाप को सुलझाने के लिए 여러분 제가 이제 주정차법을 위반했는데 तो मैंने मतलब इस प्रकार से मतलब पार्किंग का जो रूल है उसको तोड़ा था. 이 죄가 없어지려면 तो इस पाप को अगर मिटाना है 법이 정한 죄의 값을 내버려야 돼요. तो मतलब कानून के हिसाब से जो भी इस पाप की कीमत है उसको मुझे चुकाना होगा. 자, 나라에서는 죄값을 누가 냈느냐는 따지지 않습니다. तो मतलब हमारे देश का कानून ये नहीं चेक करता कि कौन वो कीमत भर रहा है. 누구의 죄값을 냈는가만 봅니다. तो बस ये देखते हैं कि किसके पाप की कीमत चुक गई या नहीं चुक गई. 예, 내가 내든 우리 형제님이 내든 तो चाहे मैंने पाप किया लेकिन उसकी कीमत मैं चुकाऊं या मेरा कोई भाई चुकाए. 내 죄값을 내면 되는 거예요. बस मेरे पाप की कीमत चुका देना काफी है. 우리 형제 내가 죄를 지은 것도 사실입니다. तो मैंने गलती की, मैंने पाप किया, ये सही है. 내가 법을 어긴 건 사실이에요. तो मैंने रूल को तोड़ा, ये सही बात है. 그러나 내가 죄를 짓고 법을 어긴 것도 사실이지만 तो मैंने पाप किया, मैंने रूल को तोड़ा, चाहे ये सच है. 우리 형제님이 내 죄값을 대신 낸 것도 사실이에요. लेकिन हमारे भाई ने मेरे पापों की कीमत को मेरी जगह चुका दिया, ये भी सच है. 예, 내 죄값을 지불한 확실한 증거가 이 영수증이에요. तो ये जो रसीद है, ये मतलब प्रूफ है कि मेरे पाप की कीमत चुक गई है. 예수님 우리의 모든 죄를 지시고 तो यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया. 이제 십자가에 못 박히셨습니다. और वे क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया. 하나님은 예수님이 십자가 열는 그 피가 우리의 죄를 씻는다고 약속을 하셨죠. तो परमेश्वर वादा किया है कि यीशु ने जो क्रूस पे लहू बहाया है वह हमारे पापों की कीमत चुकाता है. 그래서 예수님이 온 인류의 모든 죄를 지시고 तो इसीलिए यीशु मसीह सारी मनुष्य जाति के पापों को उठाकर और वह क्रूस पे चढ़ा दिया गया. 피를 흘리시면 और उसने लहू बहाया. 하나님의 약속대로 그 피가 우리의 모든 죄를 씻는 겁니다. तो परमेश्वर के वादे के अनुसार सचमुच के लहू ने हमारे सारे पापों को धो दिया. 그래서 예수님은 머리에 가시관을 쓰시고 तो इसलिए यीशु मसीह ने सच में अपने सर के ऊपर कांटों का मुकुट पहना. 두 손과 두 발에 못이 박혀서 और अब उसके दोनों हाथ, उसके दोनों पैर ऐसे क्रूस पे चढ़ा दिए गए. 우리를 위하여 당신의 피를 아낌없이
쏟으셨습니다. तो सच में उसने अपने लहू को बिना मतलब बचाए हुए बिना रखे हुए सारा बहा दिया. 예수님이 십자가에서 피를 흘리셨을 때 तो जब ईशो ने क्रूस पे अपना लहू बहाया 그 피가 우리의 모든 죄를 하나님 앞에서 영원히 씻은 겁니다. तो उस लहू ने परमेश्वर के सामने हमारे पापों की कीमत को अनंत काल के लिए चुका दिया. 그 피가 우리의 모든 죄를 씻었기 때문에 क्योंकि उस लहू ने हमारे सारे पापों की कीमत को चुका दिया है. 하나님 그 피의 능력을 보시고 तो परमेश्वर उस पाप की मतलब ताकत को देखता है. 이제 우리가 의롭다. और परमेश्वर कहता है कि तुम धर्मी हो. 이제 예수님의 은혜로 너희들은 깨끗해졌어. तो ईशु के अनुग्रह से तुम लोग साफ हो गए. 너희들은 더 이상 죄가 없어. तो तुम्हारे अंदर अब आगे को कोई पाप बाकी नहीं रहा. 너희들은 영생을 얻은 거야. तुमने अनंत जीवन प्राप्त किया है. 구원을 받은 거야. तुमने उद्धार पाया है. 죄인에서 의인으로 거듭난 거야. तो तुम धर्मी से पापी बन गए हो. 이렇게 약속을 하신 겁니다. तो ऐसा करके हमें वादा दिया गया है. 자, 로마서 5장 9절을 보겠습니다. तो रोमियो 5 के 9 को देखेंगे. 그러면 이제 우리가 그 피를 인하여 의롭다 하심을 얻었은즉 अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे. 자, 우리가 율법의 행위로 의롭다함을 얻은 게 아니고 तो हम व्यवस्था के कामों से धर्मी ठहरे ऐसा नहीं है. 그 피를 인하여 의롭다 하심을 얻었다는 거죠. तो हमने उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे. 자, 사도행전 13장 38절을 보겠습니다. तो प्रेरितों 13 का 38 वचन देखते हैं. 사도행전 13장 38절. 그래도 대라가 38. 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 죄 사함을 너희에게 전하는 이것이며. इसलिए हे भाइयो तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है. 여러분이 알아야 될 게 있는데. तो एक बात है जो आप लोगों को जाननी जरूरी है. 예수 그리스도를 힘입어 죄 사함을 받는 이걸 알아야 된다는 거죠. तो इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है. यीशु मसीह के द्वारा पापों का समाचार तुम्हें दिया जाता है. 39절. 39. 또 모세 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이라. 39에 लिखा है और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है. 예, 우리가 모세를 통하여 주신 율법으로는 의롭다함을 얻을 수가 없었지만 तो हम मूसा की व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते थे निर्दोष नहीं ठहर सकते थे. 예수님을 힘입어 우리가 예수님을 믿는 자들은 전부 의롭다함을 얻는다는 거예요. लेकिन जो कोई भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है वह निर्दोष ठहरता है. 자, 율법은 아무리 선한 사람이라도 정죄하지만 तो व्यवस्था कितना भी कोई इंसान अच्छा हो उस पर दोष लगाता है. 예수님의 은혜는 아무리 더러운 죄인, 아무리 악한 인간이라도 의롭게 하는 거예요. लेकिन यीशु मसीह का लहू कितना भी कोई घिनौना पापी व्यक्ति क्यों ना हो उसे धर्मी बना देता है. 율법은 우리의 죄를 드러내는 일을 하지만 또 व्यवस्था가 काम हमारे पाप को प्रकट करना था. 예수님의 은혜는 우리의 죄를 없애 버리는 일을 합니다. लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे पाप को खत्म कर देता है. 율법은 우리를 정죄하는 일을 하지만 또 व्यवस्था हम पे दोष लगाती है. 예수님의 은혜는 우리를 의롭게 하는 일을 합니다. लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें निर्दोष ठहराता है. 여러분 내 죄가 없어진 증거가 뭡니까? तो मेरे पाप खत्म हो गए इसका सबूत क्या है? 내가 도로 교통법을 어겼고 죄를 지었는데. तो मैंने मतलब पार्किंग का रूल तोड़ा था और मैंने पाप किया था. 법을 어기고 죄를 지었는데 왜 내가 죄가 없어졌죠?
मैंने चाहे रूल को तोड़ा था, मैंने चाहे पाप किया था, लेकिन वो पाप कैसे खत्म हो गया? 예, 우리 교회 형제님이 내 죄값을 대신 지불했기 때문에. तो मेरे चर्च के एक भाई ने वो पाप की कीमत को मेरी जगह पे चुका दिया। 내가 율법을 어기고 죄를 지었는데. तो चाहे मैंने व्यवस्था को तोड़ा था और पाप किया था। 어떻게 내가 죄가 없고? लेकिन कैसे मेरा पाप खत्म हो गया? 어떻게 내가 의롭다고 할 수 있나? तो कैसे मैं अपने आप को निर्दोष कह सकता हूँ, धर्मी कह सकता हूँ? 예수님이 나의 모든 죄값을 지불하셨기 때문에. 이슈 머신에 क्योंकि मेरे उन सब पापों की कीमत को चुका दिया. 예, 우리가 죄를 지었다는 사실도 알아야 하지만. तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमने पाप किया है. 예수님께서 십자가에 흘린 피로 우리의 모든 죄를 씻었다는 사실도 알아야 합니다. लेकिन इस सच्चाई को भी जानना है कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे उस सब पाप को खत्म कर दिया है. 예, 무조건 죄를 용서해 달라고 빈다고 죄가 없어지는 게 아니고. तो हम बस पाप की माफी मांगते रहेंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. 회개한다고 죄가 없어지는 게 아니라. तो हम पश्चाताप करेंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. 내 죄값이 지불된 영수증을 보면 또 मेरे पाप की कीमत चुका दी गई. जब हम उस रसीद को देखते हैं, 아 여기 틀림없이 내 이름이 적혀 있고 हां साफ यहां मेरा नाम लिखा हुआ है. 내가 지은 죄값이 지불돼 있는 거예요. और यहां लिखा हुआ है कि मेरे पाप का जो कीमत था वो भर दिया गया है. 그 내 죄값이 지불된 장부를 정확하게 보면 저절로 죄가 없어지는 거예요. तो मेरे पाप की कीमत चुका दी गई, उसकी रसीद को अगर हम स्पष्ट तरीके से देखते हैं तो हमारा पाप खत्म हो जाता है. 우리 형제님이 실제로 은행에 가서 내 벌금을 냈고 तो उस मेरे भाई ने मतलब सचमुच में उसने बैंक में जाके मेरा फाइन भर दिया. 내 죄값을 냈다는 증거를 가지고 왔습니다. और वह सबूत ले आया कि उसने मेरे पाप की कीमत चुका दी है. 그게 이 영수증이죠. वो ये रसीद है. 예수님은 실제로 우리의 죄를 짊어지셨고 तो यीशु मसीह ने मतलब सचमुच में हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया. 그 모든 죄를 씻기 위하여 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. और उस पाप को धोने के लिए वह क्रूस पे चढ़ गया, वह क्रूस पे मार दिया गया. 나를 영원히 의롭게 하기 위하여 तो मुझे अनंत काल के लिए धर्मी ठहराने के लिए 예수님은 십자가에 못 박혀 피를 흘리셨고 तो यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया और क्रूस पे उसने अपना लहू बहाया. 그 피로 나를 깨끗게 하셨습니다. और उस लहू के द्वारा उसने मुझे शुद्ध कर दिया. 여러분의 모든 죄는 십자가에서 영원히 사해졌습니다. तो आप लोगों का सारा पाप भी क्रूस के ऊपर अनंत काल के लिए धो दिया गया. 예수님 우리의 모든 죄값을 완벽하게, 충분하게, 넉넉하게 지불하셨습니다. तो यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों की कीमत को सच में सिद्ध रूप से पूरे तरीके से उसने चुका दिया है. 그래서 하나님은 이제 우리 죄가 없다 하고 말씀하시고 इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर पाप नहीं है. 우리가 의롭게 되었고 깨끗해졌다고 말씀하십니다. इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम धर्मी हो, तुम निर्दोष हो. 예수님을 통해 우리 죄를 씻어 놓고 यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को धो देने के बाद 우리 죄가 씻어진 영수증을 우리에게 주셨습니다. तो हमारे पाप को धो देने की जो रसीद है वो परमेश्वर ने हमें दिखा दी. 내 모든 죄가 확실히 씻어진 영수증이 바로 영원히 변치 않는 하나님의 말씀입니다. तो हमारे सारे पापों की कीमत चुका दी गई. सच में उसकी रसीद क्या है? उसकी रसीद परमेश्वर का ये वचन है जो कभी बदलता नहीं है. 이것이 성경이 증거하는 구원의 복음입니다. तो ये बाइबल सुसमाचार, ये वो सुसमाचार है जिसकी गवाही बाइबल हमें देती है. 사람들이 복음을 듣고 나면 तो लोग जब सुसमाचार को सुनते हैं 목사님, 정말 예수님이 내 모든 죄를 씻어주셔서 너무 감사한데요. 또 파스터, 이슈 목사님, 내 सारे पाप धो दिए तो बहुत धन्यवादी बात है. 궁금한 게 있습니다. लेकिन एक सवाल है. 나 앞으로도 살다가 죄를 지으면 그때는 어떻게 해야 됩니까? तो आगे अपना जीवन जीते जी अगर हम दोबारा पाप करते तो क्या होगा? 제가 원주에 있을 때 तो जब मैं वोंजू में सेवकाई कर रहा था 우리 링컨 스쿨이 있었어요. तो वहां पे लिंकन स्कूल था. 그 최주환이라는 학생이 있었는데 तो वहां पे 최주환 नाम का एक हमारा स्टूडेंट था. 주환이 아버지가 지금 이제 우리 같은 지역의 사역자예요. तो 주환 के पिताजी हमारे ही रीजन में अभी मतलब पास्टर हैं.
주한이가 지금 우리 신학교에 입학해서 이제 사역자가 되기 위한 공부를 하고 있습니다. और जुआन भी हमारे सच में मिशन स्कूल में भर्ती हो गया है और वो पास्टर बनने की भी तैयारी कर रहा है।주한의 아버지가 이제 직장을 다니다가 직장을 그만두고 이제 복음을 위해 살기를 원했어요. 또 जुआन के पिताजी मतलब अपनी नौकरी छोड़ के वो मतलब सुसमाचार के लिए जीना चाहते थे।근데 이제 신학교에 들어가면, 아이고, 우리 아들 학비를 어떻게 마련하지? लेकिन उनके मन में ये चिंता थी कि अगर मैं मतलब मिशनरी स्कूल में चला जाऊंगा तो मेरे बेटे की फीस कौन भरेगा?내가 신학교에 가는 게 하나님 뜻이면 학비도 다 하나님 주실 건데. लेकिन उनके मन में आया कि ठीक है अगर मैं मिशनरी स्कूल जाना मतलब अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो परमेश्वर उसकी फीस भी तैयार करेंगे।이 아버지가 학비가 좀 부담이 됐어요. लेकिन एनी हाउ लाइक उनके मन में फीस के विषय में काफी बोझ था,퇴직금을 많이 받았는데, तो उनको काफी सारा जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला।우리 학교에 연락을 했어요. 또 उन्होंने हमारे स्कूल में हमको फोन किया। 목사님, 우리 주한이가 그 학교에 입학해서 졸업할 때까지, 또 바수지 मेरा बेटा मतलब आपके स्कूल में जब तक कि अपनी पढ़ाई खत्म नहीं कर लेता। 3년 동안 주한이 학교 생활에 필요한 모든 비용을 제가 입학할 때 일시불로 내고 좀 학교에 보냈으면 좋겠습니다. 또 मतलब मैं उसकी एडमिशन के टाइम पे 3 साल उसकी पढ़ाई का जितना खर्चा है मैं शुरुआत में ही आपको दे देना चाहता हूँ।다른 학생들은 매달 식비를 내고 तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो हर महीने मतलब अपना खाने का खर्चा भेजते हैं석 달에 한 번씩 학비를 내요. और 3 महीने में एक बार जैसे ट्यूशन फी देते हैं그리고 매달 이제 간식비도 조금씩 내고 और फिर हर महीने उनके मतलब थोड़े स्नैक्स वगैरह का खर्चा भी देते हैं또뭐 행사할 때는 또 행사비를 따로 이렇게 조금씩 받는데 और जब कोई प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम के खर्चे के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा स्टूडेंट से लिया जाता है।하여간 뭐 주한이는 기숙사비, 학비 लेकिन ये जुआन की मतलब हॉस्टल फी और ट्यूशन फी식비, 간식비 और इसकी मेस का खर्चा और मतलब वैसे जो एक्स्ट्रा खाने का खर्चा수학여행 경비 और इधर उधर आने जाने का खर्चा,책값, 옷값, 또 मतलब किताबों का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, 혹시 만일에 아플 경우에 병원비까지 और मान लो ये बच्चा बीमार हो जाता है तो अस्पताल का खर्चा भी,입학할 때 비용을 몽땅 다 내고 들어왔어요. 또 मतलब उसके पिताजी ने उसकी एडमिशन के टाइम पे वो सारा पैसा दे दिया।다른 학생들은 한 달에 한 번씩 밥값을 내는데 तो बाकी बच्चे मतलब हर महीने अपना मेस का खर्चा भेजते थे।주한이는 매일 밥을 먹는데 밥값을 안 내는 거예요. लेकिन जुआन मतलब रोज चाहे खाना खाता था लेकिन उसको खाने के पैसे वो नहीं देता था।다른 학생들은 석 달에 한 번씩 학비를 내는데 तो बाकी स्टूडेंट्स 3 महीने में एक बार मतलब अपने जो स्कूल की ट्यूशन फी है वो भरते थे। लेकिन주한이는 공부를 하는데 학비를 안 내요. जुआन पढ़ाई कर रहा था लेकिन वो कोई फीस नहीं भरता था।다른 친구들은 수학여행을 갈때 여행비를 내는데 बाकी बच्चे जैसे उनको कभी कभी इधर उधर पढ़ाई के लिए इधर उधर घूमने लेके जाया करता है तो उनको उसके पैसे주한이는 देने पड़ते여행은 थे।가는데 여행비는 안 내요. लेकिन ये बच्चा चाहे इधर उधर कहीं जाना भी पड़ता उसका खर्चा ये ना देता।예, 다른 친구들은 졸업할 때 졸업 앨범비를 내는데 तो बाकी बच्चे जब स्कूल से ग्रेजुएट हुए तो एल्बम देते हैं उनको, उस एल्बम का पैसा वो लोग देते हैं।주한이는 앨범은 가져가는데 돈은 안 내요. लेकिन जुआन एल्बम ले गया लेकिन उसने उसके कोई पैसे नहीं दिए।왜냐하면 입학할 때 졸업하는 날까지 그 학교 생활에 필요한 모든 비용을 넉넉하게 내버렸기 때문에. क्यों? क्योंकि उसके एडमिशन के टाइम पे उसके पिताजी ने उसकी सारी पढ़ाई के दौरान उसका जो भी खर्चा होना था उसका सारा पैसा उन्होंने शुरू में दे दिया।예수님은 우리가 인생 학교에 입학해서 인생 학교 졸업할 때까지 तो यीशु मसीह ने सच में जब से हम इस जीवन में एडमिशन लेते हैं और जब तक इस जीवन में हम ग्रेजुएट नहीं हो जाते, खत्म नहीं कर लेते इस जीवन को,내가 태어나서 죽을 때까지 짓는 모든 죄값을 2000년 전 한꺼번에 다 지불하셨어요. 또 मेरे पैदा होने से लेके मेरे मरने तक के जितने पाप थे उनकी सारी कीमत को यीशु मसीह ने एक ही बार में भर दिया 2000 साल पहले। 우리가 살다가 율법을 어길 때도 있고 죄를 지을 때가 있어요.
तो जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, कभी हम पाप करते हैं, कभी हम व्यवस्था को तोड़ देते हैं,그러나 우리는 죄의 벌을 받지 않습니다. लेकिन हमें उस पाप का दंड नहीं मिलता,우리는 심판을 받지 않습니다. उस पाप की वजह से हमारा न्याय नहीं होता, 우리에게는 저주가 없습니다. हमारे ऊपर श्राप नहीं है। 왜냐하면 예수님이 2000년 전에 내가 태어나서 죽을 때까지 모든 죄값을 충분히 지불하셨기 때문에. क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पैदा होने से लेकर मेरे मरने तक जितनी मेरे पापों की कीमत थी उसको बहुतायत से उसने वो कीमत को चुका दिया है। 우리는 죄를 지어도 의롭습니다. 이슬에 चाहे हम पाप करते हैं तो भी हम धर्मी हैं। 예수 그리스도의 공로로 말미암아. 또 예수 마시케 발단 की वजह से 이것이 성경이 증거하는 은혜의 복음입니다. 또 이게 뭐 अनुग्रह가 सुसमाचार है जिसकी गवाही बाइबल हमें देती है। 오늘 많은 사람들이 율법의 행위 아래 있습니다. 와즈바체 로그 व्यवस्था의 कामों के अधीन है। 이제 우리는 율법의 행위 아래 있는 사람들이 아니라 तो हम ऐसे लोग नहीं है जो व्यवस्था के कामों के अधीन है। 예수 그리스도의 은혜 아래 있는 사람들입니다. तो हम ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन है। 이 세상에는 두 종류의 사람들이 있습니다. 이 세상에 두 प्रकारके लोग हैं। 율법 아래 있는 사람이 있고 그리스도의 은혜 아래 있는 사람들이 있습니다. तो एक तरफ वो लोग हैं जो व्यवस्था के अधीन है और एक तरफ वो लोग हैं जो यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन है। 이제 모든 죄는 십자가에서 씻어졌기 때문에 क्योंकि हमारा सारा पाप क्रूस के ऊपर धुल गया है। 죄가 우리를 주관할 수 없고 तो अब पाप हमारे ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। 이제 우리가 죄사함을 받으면 तो जब हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं 하나님의 성령이 우리 마음에 오시게 됩니다. तब परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में प्रवेश करता है। 사도행전 2장 38절에 그렇게 약속이 되어 있습니다. प्रेरितों 2के 38 में ये वादा हमको दिया गया है। 이제는 우리가 율법을 지키려고 애쓰는 삶이 아니라 तो अब हमें व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करने का जीवन नहीं जीना है। 성령이 우리 마음 안에 오셔서 तो पवित्र आत्मा हमारे मन में प्रवेश करता है। 성령이 우리에게 새 마음을 주시고 तो पवित्र आत्मा हमें नया मन देता है। 성령이 우리를 이끌어 가는 겁니다. और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। 그러니까 여러분이 성령의 인도를 받게 되면 तो अगर आप उस पवित्र आत्मा की अगुवाई से जिएंगे 여러분 삶도 밝고 복되게 되는 거예요. तो आपका जीवन भी बहुत उज्जवल हो जाएगा, उसमें बहुत आशीषित हो जाएगा। 자, 이제 여러분들은 죄가 여러분을 주관하는 삶을 사는 게 아니고 तो अब आप ऐसा जीवन नहीं जीते जहां पाप आपके ऊपर अधिकार रखता है। 하나님의 성령이 여러분을 인도하는 겁니다. तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है। 한 구절만 읽고 마치겠습니다. 로마서 6장 14절 로미오 죄가 14 죄가 너희를 주관치 못하리니 तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있음이니라 क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो 여러분 법 아래 있는 사람이 있고 은혜 아래 있는 사람이 있는데 또 एक तरफ वो लोग हैं जो व्यवस्था के अधीन है, दूसरी ओर वो लोग हैं जो अनुग्रह के अधीन है। 법 아래 있는 사람은 절대로 은혜의 세계를 모르고 तो जो लोग व्यवस्था के अधीन है, वे अनुग्रह की दुनिया को नहीं समझते। 은혜 아래 있는 사람은 율법에서 벗어난 사람입니다. लेकिन जो अनुग्रह के अधीन है, वे व्यवस्था से स्वतंत्र हो चुके हैं। 죄와 율법에 매여 멸망을 당할 수밖에 없는 우리를 구원해 주신 예수님 앞에 감사하고 तो हम उस यीशु को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें जो पाप और मृत्यु के अधीन थे हमें वहां से छुड़ाया। 이제 여러분들이 예수님의 말씀을 믿고 तो अब आप लोग यीशु के वचन पर विश्वास कीजिए। 교회의 인도를 받으면서 और आप कलीसिया की अगुवाई पाइए। 주를 믿는 믿음으로 사시고 और परमेश्वर में विश्वास करके आप जिए। 이 복음을 알지 못하는 많은 사람들에게 और जो लोग इस सुसमाचार को नहीं जानते उन बहुत सारे लोगों को 여러분 이 귀한 복음을 전해서
तो आप इस बहुमूल्य सुसमाचार का प्रचार कीजिए여러분을 통하여 많은 분들이 주님 앞에 돌아오게 되기를 바랍니다. और आपके द्वारा बहुत सारे लोग सच में प्रभु के पास लौट के आ सके तो예, 함께 하셔서 감사하고 आप लोगों ने सच में हमारा साथ दिया आपको धन्यवाद देते हैं 예, 기도 한번 드리겠습니다. प्रार्थना करेंगे 하나님 아버지 감사합니다. 피타 परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं 우리가 죄와 율법 아래서 정말 무겁고 공고한 삶을 살았는데, 또한 पाप और सच में मृत्यु के अधीन बहुत ही भारी जीवन जी रहे थे लेकिन예수님이 이 세상에 오셔서 यीशु मसीह दुनिया में आया우리의 모든 죄를 지시고, और उसने हमारे सारे पापों को सच में उसने साफ कर दिया우리를 대신하여 십자가에 못 박혀 죽으시고, हमारी जगह वो क्रूस के ऊपर मर गया우리의 모든 죄를 그 피로 씻어 주신 걸 감사합니다. उसने अपने लहू से हमारे सारे पापों को धो दिया हम उसको धन्यवाद देते हैं이제 우리가 죄와 율법에서 해방되고 तो हम पाप और व्यवस्था से स्वतंत्र हुए하나님의 은혜 아래 있게 된걸 감사합니다. और परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन रह सके हम आपको धन्यवाद देते हैं어제 오늘 짧은 시간이지만 तो चाहे आज थोड़ा समय था말씀을 들은 인도의 사랑하는 형제자매들을 축복하시고 तो वचन सुनने वाले इंडिया के भाई बहनों को आप आपका आशीष दीजिए이분들의 남은 생애를 말할 수 없이 복되게 하시고 प्रभु इनके बाकी के जीवन को आप अनगिनत आशीष दीजिए이분들을 통하여 인도에 더 많은 분들이 예수님을 만나게 되기를 바랍니다. 또 इनके द्वारा और भी लोग यीशु मसीह को मिल सकें प्रभु인도에 은혜를 베푸시고 आप इंडिया पे आपका आशीष दीजिए인도를 복되게 하시는 하나님 앞에 감사합니다. 그리고 아पने 인디아 को 아시시트 किया है हम आपको धन्यवाद देते हैं 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 이슈 머시의 이름으로 प्रार्थना करते हैं 아멘. 아멘 아멘 감사합니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다 목사님 감사합니다 목사님 감사합니다 Thank you, 목사님 감사합니다 Thank you. थैंक यू वेरी मच पास्टर सो हम बहुत धन्यवादित हैं परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा अपना मन हमें देते हैं ताकि हम उस मन से जी सकें तो हम ये 2 दिन का बाइबल सेमिनार यहाँ पे खत्म करते हैं और अभी हमारे चर्च के अनुसार ग्रुप मीटिंग होगा तो दिल्ली चर्च के जो हमारे भाई बहन हैं वो इसी जूम में रुकेंगे बाकी दूसरे चर्च के भाई बहन इस जूम को छोड़ के अपने अपने लोकल चर्च के अनुसार आप अपने जूम को ज्वाइन करके ग्रुप मीटिंग और प्रेयर मीटिंग करेंगे सभी को धन्यवाद इस बाइबल सेमिनार में सहभागी होने के लिए बहुत धन्यवाद